तो उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की इस महा कवरेज में लगातार हमारे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से नॉन स्टॉप ये महा कवरेज जारी है। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर हालात और तस्वीर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। हम आपको ब्रेक से पहले चमोली लेकर गए, हम आपको हरिद्वार लेकर गए, भगवानपुर लेकर गए, साथ ही साथ हमने आपको देहरादून की तस्वीर भी दिखाई, कुमाऊं के हालात भी बताए, रुद्रपुर की जंग भी दिखाई और साथ ही साथ हम उस तस्वीर को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोकतंत्र के इस महापर्व में लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। अब दोपहर के 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मतदान अब तेजी से होने की उम्मीद है क्योंकि अब धूप भी खिली हुई है और पहाड़ का मौसम भी लगभग साफ बताया जा रहा है। अब सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, दोनों राजनीति के धुरंधर पत्रकार हैं और ऐसे में उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए आए हैं, तो अब राजनीतिक नजरिए से भी समझेंगे कि उत्तराखंड में होने वाले ये चुनाव के सियासी मायने क्या है, 70 की 70 सीटों पर तस्वीर क्या होगी ये तो आवाम तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि संकेत और संदेश साइलेंट वोटर के रूप में दिखाई दे रहे थे कि आखिरकार जनता के जहन में इस बार क्या है वो 10 मार्च को तस्वीर पता चलेगी। लेकिन उससे पहले मैं सीधा रुख करूंगा, हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ चुके हैं, दोनों उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए हैं पत्रकार के रूप में, भागीरथ सर और साथ ही साथ हमारे साथ मनोज इष्टवाल सर दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप धन्यवाद बन के सामने आए, सबसे पहले शुभकामनाएं और इस महापर्व की सबको मुबारक और आपको भी। तो आपको सर भी। सबसे पहले मैं आज मौसम का मिजाज देख रहा था मनोज सर, क्योंकि मौसम का मिजाज आपके पीछे मुझे दिखाई दे रहा है और कल आप मुझे कह रहे थे कि तिलक बाबू धुंध जो है ना धुंध छटती हुई दिखाई दे रही है और आज तो पूरी तरह से मौसम का मिजाज बदला सा और मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, मौसम कैसा है सियासी मौसम? मैं पौड़ी की बात करूं तिलक जी, तो पौड़ी में बेहद सर्द मौसम है इस समय, बादल चारों तरफ से आसमान को ढके हैं, कल पूरे दिन भर बहुत तेज धूप थी, आज सर्द मौसम है और उस सर्द मौसम के साथ चुनावी जो वोटर्स का मतदान भी है उसी हिसाब से चल रहा है, कोई अपने दोपहर के खाने के बाद मतदान करने के लिए जा रहा है, कोई सुबह सुबह मतदान करके आ गया है। वो जो और पिछले जो चुनाव थे 2017 या उससे पहले के, वो जो महाकुंभ का मतदान का जो महाकुंभ होता था जिस एनर्जी के साथ लोग मतदान के लिए तैयार होते थे, अरे बाप रे अभी कहीं मैं रह ना जाऊं, चलो डाल के आते हैं, वो इस बार थोड़ा धीमा पर्वतीय क्षेत्र के गाँव में उसमें चाल धीमी लग रही है मुझे, जिसका जब समय लग रहा है तब जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हाँ चलो जी हमें तो जाना ही है क्योंकि कर्तव्य है इसको निभाना तो है ही, तो इस तरीके से मतदान का एक चल रहा है लेकिन शांतिपूर्वक है, कोई ऐसा वो हल्ला नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, कोई वो जो एक दल के साथ चुनाव डालने जाते थे वो कहीं पहाड़ी क्षेत्र के गाँव कि जितने भी ये मैं बूथ देख रहा हूँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ शांतिपूर्वक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मतदान करके निकल रहे हैं, लेकिन वो धुंध अभी भी है, कौन किसको मतदान कर रहा है कोई बाहर बोलने को तैयार नहीं, ये आश्चर्यजनक है, मतलब ये चिन्हित नहीं है कि किसका वोटर कौन है, यहाँ पर्चियां गाँव घर से लेके आ रहे हैं लोग अपने मतदान संख्या की, कौन से संख्या पे मेरा मतदान है और उसी के आधार पे सीधे जाके जो एजेंटों के द्वारा हर घर में पर्चियां पहुंचाई गई हैं उनके लिए सरल हो गया, सीधे मतदान केंद्र जाके उन पर्चियों के माध्यम से मतदान कर रहे हैं, निकल रहे हैं, पूछने पर भी लाख पूछने पर भी कि क्या आप भाजपा को करके आए, उन्होंने कहा हाँ जी, क्या आप कांग्रेस को करके आए कि हाँ जी, मतलब किसी दल के लिए नाजी नहीं है, हाँ हम मतदान करके आए, अब वो किसके लिए करके आए ये बताने को कोई वोटर तैयार नहीं है, ये बड़ी रोचक बात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बार, लेकिन भागीरथ सर मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि कई चुनाव आप लोगों ने कवर किए हैं, कई चुनाव देखे हैं, कई चुनाव चले गए, बहुत उत्तराखंड के इतिहास में देखे तो 2002 2007 2012 2017 22 आ गया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है इस बार
चुनाव में, या फिर जैसे पुराने चुनाव होते थे, क्योंकि 2017 में हमने देखा था कि एक खुलकर लहर थी और जनता कह रही थी कि नहीं हम तो भैया इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो साइलेंट वोटर का जिक्र जो मनोज सर कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, एक मैं अभी मैं मत डाल के आया जी, और नाश्ता किया था तो पहले वोट डालने गया, तो एक चीज दिखाई दी जो यूथ मतदाता है बड़ी संख्या में जो है बूथों तक आ रहा है, ये बहुत अच्छा चीज है। और दूसरा ये है कि जैसे मनोज जी कह रहे थे, और वोटर का जो मिजाज है इस बार उसको भाप पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और कोई ये बताने को राजी नहीं जैसे कि आप कह रहे थे। और ये कभी कभी जब मतदाता मौन होता है तो ये किसी बदलाव की ओर भी इशारा करता है कई बार। और आप देखिए जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उत्तराखंड में मतदाताओं की तादाद 2017 और आज की तुलना में काफी बढ़ चुकी है, और उत्साह भी है, उमंग भी है। तो सबसे अधिक जो जो मतदाता वर्ग है वो है आपका 18 से 29 और 30 से 39 आयु वर्ग जी। तो वो वर्ग मतदान केंद्रों तक आ रहा है, और बुजुर्गों को भी देखा गया, और कोई जो है व्हील चेयर में भी अभी मैंने देखा कि कुछ लोग जो वृद्ध जन थे वो आ रहे थे। और प्रसाद व्यवस्था है मतदान केंद्रों पर वो बहुत अच्छी है कि महिलाओं के लिए अलग पंक्ति है, और कहीं कहीं की बूथ हैं और वो जो है महिलाओं के लिए उनको मतदान करने में सुविधा हो रही है। और आपका अच्छा व्यवहार भी कर रहे हैं मतदाताओं से, ऐसा लग रहा है कि वो प्रोत्साहित कर रहे हैं जो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, तो उनका जो है वार्म वेलकम भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि 11 बजे तक करीब उत्तराखंड में जो औसत मतदान है वो करीब 19% हो चुका है, और गुनगुनी धूप है, लोगों को आनंद भी आ रहा है। और जैसा कि पर्वतीय इलाकों का जो बताया जा रहा है कि अधिकांश इलाकों में धूप है, हालांकि कुछ इलाके हैं जहां बर्फ से आच्छादित भी हैं, तो वहां कुछ दिक्कतें होंगी। और दोपहर बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा मतदान पर्वतीय क्षेत्रों में होगा। मैं वोट प्रतिशत समझना चाहूंगा मनोज सर, फिर उसके बाद भागीरथ सर आपके पास आऊंगा। ये वोट प्रतिशत की जो कहानी है, खासतौर पर हमने कई बार देखा कि चुनाव में ऐसा वोट प्रतिशत हुआ कि भैया 31 और 32 का फेर भी देखा गया, और एक एक प्रतिशत वोट प्रतिशत जो है चुनाव और हार जीत तय कर देता है उत्तराखंड में। यहां तक कि 4-4 वोट से भी विधायक चुनाव हारते और जीतते हैं, 4-4 वोट से, मतलब कोई सोच सकता है इस तरह का। उत्तराखंड में भी कई चमत्कार होते हैं। अब मैं वोट प्रतिशत, क्योंकि बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 60 पार, तो 60 पार वोट सीटें जीतना मतलब आपको 50% से ज्यादा वोट चाहिए। ये जो वोटिंग परसेंटेज वाला खेल है उत्तराखंड में, वो मैं समझना चाहूंगा मनोज सर आपसे। तिलक जी, वोट प्रतिशत मतदान जहां अधिक होता है, जब भी जिस साल भी मतदान उत्तराखंड की परिवेश में बात करूं, जिस साल मतदान ज्यादा हुआ उस साल समझिएगा कि सरकार खतरे में, और जिस साल 50 से 55 के बीच हुआ उस साल सरकार का यह रहता कि अब सरकार ठहर गई है। ये सच्चाई है। जिस साल सरकार को हिलाने की, उसकी चूल्हे हिलाने की नौबत आती है, उस साल जो प्रदेशों में प्रवासी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो तक गांव पहुंच जाते हैं वोटिंग करने, वो युवा शक्ति पूरी पहुंच जाती है। इस बार मुझे कम लग रहा है कि जो बाहर जो रहवासी प्रवासी है वो युवा शक्ति गांव की तरफ कम आई है वोट डालने, जिनको हम बेरोजगार तरीके से बोल रहे हैं कि 8,72,000 बेरोजगार है, वो यकीनन कहीं दिख नहीं रहे कि हाँ वो बेरोजगार। मनोज जी की आवाज कम सुनाई दे रही है, तो हाँ, इस समय मैं उसको करेक्ट कर रहा जी। मुझे ये लगता है कि ये जो जो मतदान की बात हो रही है, जो ये वोटिंग परसेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर ये 50-52 के आसपास गया तो ये सरकार के फेवर में जाएगा, मेरा ये मानना है। और इससे ऊपर बढ़ा तो स्वाभाविक तौर पे समझा जाता है कि इस समय
सरकार से लोग नाराज हैं और वो जबरदस्त मतदान करने आ रहे हैं। ये वोटिंग परसेंटेज वाली थ्योरी भागीरथ सर आपको क्या समझ में आती है? क्योंकि कई बार ऐसा भी कहा गया कि भाई आज की तारीख में वोटर घर से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये सरकार के लिए एक शुभ संकेत भी है, जो बीजेपी नेता कहते हैं कि भैया हमने तो कई बार देखा कि हमारे पक्ष में वोट पड़े, लोग बाहर निकल के वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी का नारा है 60 पार वाला, अगर 60 पार करना है तो मैं ये समझता हूँ उनको 43-45% वोट लेना होगा जी। और क्योंकि मतदाताओं की संख्या भी बड़ी है, अब जो संख्या बड़ी है, मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं है कि सारा बीजेपी को ही जाएगा, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग जब पिछली बार बीजेपी को जितना वोट मिला उसका करीब 1-2% उसको 5% 2 से 5% वोट अधिक लेना होगा। और चूंकि मतदाता जो है मौन है, और अगर वोट देने के लिए उमड़ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सत्ता की वापसी चाह रहा है या फिर कोई परिवर्तन चाह रहा है, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। मैं ये समझता हूँ कि कुछ घंटों बाद संभवतः स्थिति कुछ और साफ होगी और जो कोहरा था कुहासा वो छटेगा। अभी थोड़ा क्योंकि शुरुआती मतदान है तो ये एग्जैक्ट डिटेल हमारे पास नहीं आ पा रही है अभी कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितना परसेंट हुआ है। ये मैंने एवरेज मतदान आपको बताया था 18.97% करीब करीब आपका हुआ है 3 घंटे में जी। नहीं तो कई जिलों में मेरे पास जो खबर आ रही है, जैसे मैं नैनीताल की बात करूं, 6 विधानसभा सीटों पर नैनीताल में जो है वो नैनीताल की विधानसभा सीट पर 13%, भीमताल की सीट पर 19%, हल्द्वानी की सीट पर लगभग 20%, रामनगर की सीट पर 20%, लालकुआ की सीट पर 21% से ज्यादा, कालाडुंगी में 22% से ज्यादा। और ऐसे में जो नैनीताल में खासतौर पर मैं जिक्र कर रहा हूं, और चमोली का मैं जिक्र करूं तो चमोली में ये 11 बजे तक के मैं आंकड़े बता रहा हूं कि लगभग 20% के आसपास वोटिंग हुई है। और गंगोत्री क्षेत्र का मेरे पास आंकड़ा आ गया है, सुमित ने भेजा है, उत्तरकाशी के जो खासतौर पर गंगोत्री विधानसभा में जो पहला गांव है मुखवा, वहां लगभग 8 बजे से 12 बजे तक जो है 500 से ऊपर लोगों ने वोट डाल दिए हैं। कई जगह आप आंकड़े खुलकर सामने आने लगे हैं लेकिन ये तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था, इस बार के जो मुद्दे हैं मनोज जी, आपको क्या लगता है मनोज सर कि कौन कौन से मुद्दे इस बार दिखाई दिए? क्योंकि मैंने तो पहली बार देखा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आया और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप कह रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, मतलब पलायन रोजगार जो पहाड़ की पीड़ा है, जल जंगल जमीन, केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब, इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले आएंगे, वो कह रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब मुद्दों से बिल्कुल अलग हटता हुआ चुनाव दिखाई दिया। सच्चाई ये है कि इस बार मुद्दाविहीन जो इलेक्शन पहली बार दिखा मुझे कि जो मुद्दाविहीन है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं थे, भाजपा मुद्दे उठाना नहीं चाह रही थी, ये समझ नहीं आया कि इस समय के कैसे चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के उस जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने के बाद लोकलुभावन वादों में बदल गए, अब भाजपा भी वही लोकलुभावन वादे कर रही है, वही कांग्रेस लोकलुभावन वादे कर रही है कि साहब आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। आम जो जन के मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए, स्वरोजगार से या रोजगार से जुड़े हुए, महंगाई से जुड़े हुए, अन्य अन्य जितने भी मुद्दे हैं जिन पर पहले राजनीति केंद्र होती थी, वो मुद्दे आज जाने कहां लापता हो गए हैं। और अब व्यक्ति विशेष को प्रमुखता के साथ कि एक एक व्यक्ति को ट्रेस किया जाए, उस व्यक्ति के लिए ऐसी उसकी पॉकेट मनी तलाशी जाए, और पॉकेट मनी के हिसाब से आप चुनाव लड़े तो कहां मुद्दे रह गए? सबसे बड़ी बात है मुद्दे आपके पास क्या इन दौरान कोई रिसर्च टीम नहीं थी कि वास्तव में जनता कि नब्ज जो टटोली जाए वो मुद्दों से लेके है, विकास कार्यों से लेके है, या जनता की नब्ज सिर्फ पॉकेट को लेके जो तलाशी गई है, वो मेरे ख्याल से दुखद है किसी भी पार्टी की, मतलब सब फ्री ले जाओ। बात चुनाव लड़ने की युवा शक्ति की, पहाड़ों में इस समय
दो चीज की बाढ़ आई है, जितने भी युवा हैं उनको शराब बांटी गई, खुल के बांटी गई, छक्के बांटी गई और साथ में नोट बांटे गए। ये मुद्दा सबसे बड़ा है, ये मुद्दा। युवा शक्ति को जिसने देश का निर्माण करना है उनको बरगलाया गया दारू की बोतल में और नकदी नकदी में, वो चाहे कोई भी दल हो, एक दल नहीं हर दल की बात कर रहा हूँ। तो ये युवा पीढ़ी के लिए क्या बांटने जा रहे हैं, युवा पीढ़ी को एक राजनीति का क्या वर्जन देने जा रहे हैं, क्या सोच, क्या दृष्टिकोण, एक तरीके से राजनीतिक दल पहाड़ों में उठा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये सर, क्योंकि ये तो चलिए आप कह रहे हैं कि शराब वाला जो एंगल है और ये सबने बांटे, कोई कम नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन एक वोटर वो भी तो है जिसकी संख्या उत्तराखंड में 40 लाख के आसपास है। अगर 82 लाख वोटर है तो 40 लाख वो मतदाता है जो महिला मतदाता है, और महिला मतदाता जिसने मातृशक्ति आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन के वक्त इसी लड़ाई को जो है नेतृत्व किया इस लड़ाई का, तो फिर ये भी तो एक खतरा राजनीतिक दलों के लिए हो जाता है। लेकिन मुद्दों के आधार पर भागीरथ सर, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कौन सा मुद्दा इस बार हावी दिखाई दिया चुनाव में? देखिये, मुद्दा तो जो ये था पहाड़ का, चूंकि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था और पलायन का जो समस्या है वो रोजगार से जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर एक जो प्रमुख मुद्दा रहा है जो हमें लगा और जो अपील कर रहा था मतदाताओं को वो रोजगार का मुद्दा, और दूसरा चूंकि महंगाई का मुद्दा। हुआ क्या कि चूंकि ये चुनाव ऐसे कोरोना काल के बाद हो रहा है, कोरोना काल में लाखों लोगों का रोजगार, नौकरी वो चली गई, और कई लोग जो बाहर नौकरियां करते थे राष्ट्रीय राजधानी में या कहीं अन्यत्र, वो घर वापस आए और उनका जो रहन सहन का स्तर जो था शहरों में, शहरी जीवन में उनके परिवार का वो जीवन और वो लाइफ स्टाइल वो गांव में अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे थे, इसलिए कई लोगों ने यहाँ सुसाइड भी किए। तो ये एक बड़ा मुद्दा था और जिसको जो है जो होना चाहिए था, जो उठाया जाना चाहिए था, तो उसमें जो है किसी धर्म विशेष के नाम से यूनिवर्सिटी या कई कोई अन्य जो प्रतिष्ठान और समान नागरिक संहिता की बातें हुई, ये सब हड़बड़ाहट में, और जब ये प्रतीत होता है कि अब सत्ता चली जाएगी या हम सत्ता में नहीं आएंगे, तो तब इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को उठा करके ध्रुवीकरण की कोशिश भी हुई है, और जो अफसोसजनक है इससे जो वास्तविक जो मुद्दे हैं वो तिरोहित हो जाते हैं। और ये जो उत्तराखंड की जनता है प्रबुद्ध है, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के मुद्दे, महिलाएं आज भी खासकर पर्वतीय इलाकों में घर की आर्थिकी की रीढ़ हैं, उनका जो है अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, बहुत ही श्रमशील महिलाएं पहाड़ की हैं, बहुत धैर्यवान हैं, और उनको नमन करते हैं, पहाड़ की मातृशक्ति को हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसा कि आपने कहा, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका देखी है सबने, पूरे देश ने देखी है। दूसरा, पर्यावरण के प्रति उनका जो स्नेह है, महिलाओं ने चिपको आंदोलन उत्तराखंड में ही हुआ और यहीं की महिलाओं ने जो है वृक्ष वनस्पतियों को काटे जाने का बेतहाशा उसका विरोध किया था, और वो नारी शक्ति उसको इस तरह के गैस सिलेंडर्स ये दे कर देंगे और ये सस्ता कर देंगे, ये महंगा होगा, बिजली फ्री होगी और पानी फ्री हो जाएगा, हर नल में जल होगा, हालांकि जो विरोधी दल हैं वो ये भी कह रहे थे कि नल तो लगे लेकिन पाइप उनमें पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं थे, जल है नहीं, नल जरूर लग गया है। तो ये राजनीति, ये मुद्दे हो सकते थे और इनको चाहे पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग, तो ये मुद्दे तो हम जो ये मुद्दे है पलायन, रोजगार, ये सब मुद्दे तो हम 21 सालों से सुन रहे हैं ना भागीरथ सर, लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव तो पूरी तरह से जो जिन मुद्दों के आधार पे होता आया है उन मुद्दों से हटता हुआ नहीं दिखाई दिया आपको? और क्या वाकई तैयार की जा रही थी पिच? अगर मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने वो पिच तैयार की तो कांग्रेस भी तो उस पिच पर आकर खेल रही थी। बिल्कुल 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 यही हो रहा था। और जैसे कि आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही सर,
और ये कहीं न कहीं किसी बड़े नेता ने कांग्रेस के मुंह से जो जो चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हों या जिम्मेदार पदाधिकारी हों उसके मुंह से हमने ये बात नहीं सुनी, न कोई ऐसी वायरल जो जो कुछ सामने आया वो जो है कोई मतलब जिम्मेदार व्यक्ति पार्टी का नहीं था ऐसा कहा गया। हम भी बात करते थे लेकिन वो तुष्टीकरण का ध्रुवीकरण का एक प्रयास था। अब वो किसने कौन कर ऐसा करना चाह रहा था ये कहा नहीं जा सकता है। हम लोग जब तक चीजें सामने न हो और कही नहीं गई सुनी न गई हो तो दूसरी तरफ ये क्या था कि समान नागरिक संहिता और इस पर तो विचार ये भी होना चाहिए क्या ये राज्य का विषय है। संविधान की धारा 44 के अंतर्गत ये अधिकार संसद को है या राज्य सरकारों को है तो इस पे तो ये बहस का विषय है। अभी अब कह देने से या ऐसा नहीं है कि मतदाता जो है वो कुछ नहीं जानता। ये बात जो आप कह रहे हैं मुद्दों के आधार पर अगर देखा जाए तो क्या बीजेपी ने ये कोशिश की कि इस पूरे के पूरे चुनाव को हम राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण की पिच पर लाकर खेल ले, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर खासतौर पर। देखिए जब जब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जब समान नागरिक संहिता की बात हुई थी तो इसका क्या अर्थ लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि निष्पक्षता और बिल्कुल उससे हम बात करें तो ये प्रयास तो कुछ इसी तरह का था और अब वो कितना सफल होता है वो प्रयास वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। मैं ये समझता हूं कि इस तरह के मुद्दे ज्यादा अपील कर नहीं रहे थे लोगों पर और इस समय जो मुद्दा है पब्लिक सब जान रही है, पब्लिक सब जान रही है कि भाई ये मसला जो है वो ध्रुवीकरण की सियासत का है, तुष्टीकरण की सियासत। जी जी, इसलिए ज्यादा गौर मत करिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ रहा है या मुस्लिम यूनिवर्सिटी आने दीजिए। यहाँ तक कि चुनाव में बिपिन रावत तक का जिक्र हुआ, मतलब जो सबके आदर्श है सबके हीरो है उनको लेकर भी सियासत। अब धीरेन्द्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे भी हैं और साथ साथ राज्य आंदोलनकारी भी रहे। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? सर अनम्यूट कर लीजिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगा जी धीरेन्द्र जी आपकी आवाज आ रही है, वोट डाला धीरेन्द्र जी? अभी जाऊंगा मैं वोट डालने। वोट डालने जा रहे हैं, चलिए शुभकामनाएं आपको, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की आहुति जरूर दीजिएगा। लेकिन धीरेन्द्र जी बीजेपी ने नारा दिया आपकी बार 60 पार, कितनी उम्मीद दिखाई दे रही है कांग्रेस को इस नारे के बीच में? देखिए बीजेपी जो है वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और बीजेपी कहीं भी नहीं। अगर पहले तो इन्हें 2 ही अंकों में आना मुश्किल, अगर आ भी जाएंगे तो 10-15 से ज्यादा सीटें उनकी आने वाली नहीं। तो कांग्रेस जो है बहुत प्रबल बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है और यही जनता की इच्छा है। उन्होंने तो 60 पार का नारा दिया, आपके नेताओं से मैंने बार बार पूछा आपकी बार कितने पार, वो बताते नहीं है, आप बता दीजिए। देखिए मुझे उम्मीद है कि कम से कम 40 से 50 सीटें आएंगे कांग्रेस। 40 से 50? जी क्या बात है सर, चलिए हर किसी को उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन एक बात धीरेन्द्र जी, क्या मुद्दे आपको दिखाई देते हैं कि जनता इस बार कांग्रेस पर यकीन कर लेगी, मुद्दा ऐसा कौन सा दिखाई देता है? देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि नौजवानों का जो है और मातृशक्ति का विश्वास उठ गया है और उत्तराखंड में बहुमत में मातृशक्ति है और जो बेरोजगार नौजवान है मातृशक्ति के पुत्रियां हैं, तो जाहिर है कि समाज का जो मुख्य चलाने वाली जो शक्ति है मातृशक्ति है जो हमारे नौजवान है वो इस वक्त बिल्कुल भाजपा के खिलाफ है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, तो लोग इसका हल जानना चाहते हैं और यही कारण है कि वो और महंगाई ने जिस तरह से त्रस्त किया है इसके चलते ये 3 बड़े ऐसे इशू हैं जिनको लेकर जनता भाजपा के खिलाफ मतदान कर रही है। वो तो कह रहे थे धीरेन्द्र जी बीजेपी वाले कह रहे थे कि मुद्दा तो सबसे बड़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जिसे आप लोग खुलवाना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने विपिन रावत का अपमान किया और उनके नाम पर वोट मांगा, जनता सब कुछ देख रही है। देखिए जनता अच्छी तरह से जानती है कि विपिन रावत जी का जब निधन हुआ लेकर सुधा हरीश रावत जी से और राज को आखिरी जब टीका बुझ रही थी उस समय तक मैं स्वयं वहां पर दिल्ली में
दिल्ली कैंट में खड़ा था, हमारा जो आदर उनके प्रति है पूरा देश जानता है, और सेना के लिए जो बड़े बड़े कदम उठाए हैं वो कांग्रेस नहीं उठाए हैं। और जहाँ तक ये कहना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलेगी या हिंदी यूनिवर्सिटी खुलेगी, किसी एकाध कार्यकर्ता के मुंह से कोई बात आ जाने से वो कोई पार्टी की लाइन नहीं होती। उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जहाँ जरूरत पड़ेगी वो बननी चाहिए, और जहाँ हिंदू यूनिवर्सिटी बननी चाहिए वहाँ बननी चाहिए, लेकिन शिक्षा को मैं समझता हूँ कि मुस्लिम और हिंदू और नहीं देखा जाना चाहिए। आपकी जुबान से निकले या किसी और की, उन्होंने तो मुद्दा बना लिया, आपके नेता भी तो उनकी पिच पर जाकर खेल रहे थे। कोई नहीं, हमारे एक वर्कर ने जोश में आकर कहीं पर यह बात कही है, और वो मुस्लिम वर्कर था, उसके मन में जो आया उसने कह दिया, उसी को भाजपा ने लपक लिया और प्रधानमंत्री तक उसमें प्रचार करने लगे। इसके भाजपा के नेताओं की दूरदर्शिता दिखाई देती है। अच्छा धीरेन जी, अभी देखिए लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि धीरेन जी तो राज्य आंदोलनकारी रहे, पूछे कि इनकी सरकार में राज्य आंदोलनकारियों के लिए किया क्या, कभी इनको सुध नहीं आया राज्य आंदोलनकारियों की, आज कह रहे वोट दे दो। देखिये राज्य आंदोलनकारियों का मैं पहला अध्यक्ष हूँ, जिसे नारायण दत्त तिवारी जी ने नियुक्त किया था 2005 में, और इसके बाद कुछ दिन के लिए बहुगुणा जी और बाद में हरीश रावत जी के साथ रहा हूँ। आंदोलनकारियों के सारे कदम मेरे कदम उठाए हुए हैं, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार के, हरीश रावत जी के, और यहाँ तक कि विजय बहुगुणा जी ने भी वहां पर गैरसैंड में टेंट लगाकर राजधानी की शुरुआत की थी। जो आंदोलनकारियों को नौकरी को निःशुल्क शिक्षा चिन्हीकरण राज्य आंदोलनकारियों का हो गया, क्या चिन्हीकरण हो गया राज्य आंदोलनकारियों का, हजारों आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हुआ, कुछ मुक्तिवर लोग रह गए हैं उनका चिन्हीकरण तो इस वक्त भी प्रोसेस में है। हमने लगातार जब सरकार नहीं रही तो एक आंदोलनकारी के रूप में सरकार से लड़ाई लड़ी, पिछले 5 साल में मैं 5 बार गिरफ्तार हुआ और हमने हर बार विधानसभा में प्रदर्शन किए, और सरकार को भाई पुष्कर को आखिर में चुनाव से पहले कहना पड़ा 31 दिसंबर तक फिर से चिन्हीकरण शुरू होगा। नहीं वो तो सबको कहता है सर, जो सत्ता में होता है वो कहता है कि हम राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। आप बताइए कोई मुख्यमंत्री रहा जिसने ये कहा हो कि नहीं भैया ना मैं राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बनाऊंगा, बोलते तो सब है सर, करता कौन है ये महत्वपूर्ण है ना, ये महत्वपूर्ण है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं भागीरथ सर, ये क्या मुद्दों के आधार पर चुनाव दिखाई दिया आपको, जिसका जिक्र धीरेन जी कर रहे हैं कि भैया रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, पलायन एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन चुनाव तो ध्रुवीकरण की पिच पर आकर इस वक्त खेला गया ना, कि भैया हम तो धर्म संसद भी करेंगे हरिद्वार में, दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आएगा, और अंतिम चुनाव प्रचार के दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। जी कोशिश तो यही रही, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो असल मुद्दे थे जो जल जंगल जमीन के, और देखिए सबसे बड़ी बात चुनाव से पहले जो भू कानून को लेके बड़े जन आंदोलन हुए, लोग धरने पर और आमरण अनशन पर बैठे, और जो पहाड़ की जमीनें जिस तरह से लूट रही हैं, और जिस तरह जो बाहर से आने वाले लोगों को सरकारें सुविधा देती रही हैं कि वो यहाँ बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में भूमि खरीदे और वो कोई नियंत्रण ना हो ना कोई अंकुश ना हो, तो ये मुद्दे तो तिरोहित हो ही गए। केवल जो भी राजनीतिक दल है वो केवल सत्ता में ये लगा कि सब सत्ता सुख के लालसी हैं, तो केवल इसी पे फोकस रहा, तो जन मुद्दे जो है वो लगभग वो लापता गंज में चले गए। बड़ा अफसोसजनक है, हालांकि जनता अपने मुद्दों पर जहाँ कहीं भी जब 10-5 लोग कहीं भी कहीं बैठते थे, चाहे चाय की दुकान में हो, मुद्दों पर लोग जरूर बात करते थे, लेकिन राजनीतिक दलों को ये लगा कि शायद जब वास्तविक मुद्दे उठाए जाएंगे तो कहीं जो है उससे नुकसान ना हो जाए, इसलिए ध्रुवीकरण की पिच पर आकर के जो है खेल खेलने का जो है ये प्रयास हुआ है, और जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये समझते हैं कि मतदाता विवेकी मतदाता जरूर अपना सही फैसला दे। बिल्कुल भागीरथ जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, धीरेन्द्र जी भी जुड़े होंगे, लेकिन अब दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से पार्टी का पक्ष रखेंगी, और साथ ही साथ सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी का चेहरा है। आप दोनों को भी लोकतंत्र के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सीमा मैडम आपकी बात 60 पार, ग्राउंड जीरो पर है लग रहा है, पक्का पक्का
कैसा माहौल दिखाई दे रहा है, मौसम का मिजाज? सियासी मौसम की बात कर रहा हूँ, वहां तो धूप खिली हुई है। दीदी सियासी मौसम बहुत बढ़िया है, आज वो समय है जब सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो खैर है ही उत्साहित, जनता ने भी ये बात कह दी कि चाहे कितनी भी नाराजगी हो प्रत्याशी से, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, वो राष्ट्रहित के लिए। अच्छा, मतलब चुनाव प्रत्याशी नहीं जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। प्रत्याशी भी जीतेंगे, मोदी जी भी नाराजगी हो, लेकिन वोट तो मोदी जी को देंगे। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कभी जो सच्चाई वाले कहीं ना कहीं किसी किसी को नाराजगी हो ही जाती है, जब आदमी इतने काम करता है तो कुछ छूटते भी हैं और कुछ नाराजगी भी होती है, लेकिन जब आप देश की बात करते हो, राष्ट्र की बात करते हो। धीरेन जी मुझे बता रहे थे, धीरेन जी ने बताया, धीरेन जी कह रहे थे कि मुझसे लिखवा लो, ये 10-20 सीटों के बीच में सिमट जाएंगे, ऐसा ही बोल रहे थे ना धीरेन जी आप? 10-20 लिखवा लीजिए ना, बोल रहे थे धीरेन जी, बता रहे थे लिखवा लीजिए, उनका वोट जो है वो देख लीजिएगा कितना आएगा, लेकिन 10-15 सीटों के बीच में सिमटने वाले हैं। नहीं नहीं ऐसा इनको ये खुद ही पता नहीं क्यों, हमेशा ये लोग जो आंखें बंद करके रहते हैं, तो आंखें बंद करने से वो बिल्ली की वाली बात होगी ना, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप जाती, तो सच्चाई ये है कि वोटर बहुत समझदार है, वो बेवकूफ नहीं बन सकता इनकी बातों में आके, उनको पता है कि किस जगह सीमांत देश है हमारा, सीमांत सॉरी राज्य है हमारा, चारों तरफ से सीमाओं से जुड़ा हुआ, तो पता है कि राज्य की सुरक्षा कौन कर सकता है और देश की सुरक्षा कौन कर सकता है, और साथ में इतना विकास किया हमने, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की हो, चाहे आपके हेल्थ की तरफ हो जाए, तो सब जगह जब विकास हुआ है तो जनता क्यों नाराज होगी बताइए। कोरोना काल में जब सबसे बुरे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ रही। आपको तो एतराज नहीं है जो बात सीमा मैडम कह रही है, संगीता जी वो कह रहे हैं कि हमने तो विकास किया है, इस आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना हमारी देन है और ना ही जो है हम ध्रुवीकरण की सियासत कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई धर्म से लेना देना हरिद्वार में, हमने तो सिर्फ विकास किया है और वो भी चौतरफा विकास, हमने पकड़ पकड़ कर लोगों को नौकरी दी है, रोजगार दिया है, लेकिन आप लोगों ने बेवजह मुद्दा बनाया उसको। देखिए अगर इन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगते और कहते कि हमने 5 साल ये काम किए हैं जनता के लिए, तो अब आप हमें वोट दीजिएगा, लेकिन जो इन्हें धामी जी को एक दिन पहले आके स्टेटमेंट देना पड़ता है यूनिफॉर्म कोड का, या जो ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली, तो ये इसीलिए करनी पड़ रही है कि क्योंकि कहीं ना कहीं विकास किया ही नहीं है, जो धरातल के मुद्दे थे वो आज भी अछूते हैं, इसलिए इस तरह की राजनीति करके एक मतदाता को लुभाने का प्रयास किया गया है। लेकिन उत्तराखंड का मतदाता अगर आज वोट करे तो बहुत विवेक से करे और उसने सोच के रखा होगा, और बहुत सारे लोग वोट कर भी चुके हैं, तो वो जो यहाँ के मुद्दे हैं, आज उसे बेरोजगारी के लिए वोट करना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वोट करना चाहिए और शिक्षा के लिए वोट करना चाहिए, ना कि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के। और जो एक उत्तराखंड में चला आया है कि सीमा जी जैसे कह रही थी कि भाजपा को ही वोट पड़ेगा, तो देखिए जो एक कैडर वोट कि एक खेल जो चला आ रहा है कि कोई कुछ भी करे कमल के फूल को ही वोट देना है, कुछ भी करे हाथ के पंजे को ही वोट देना है, तो कहीं ना कहीं मतदाता को अब इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अच्छे प्रत्याशी की ओर भी देखना पड़ेगा कि किस नेता ने उनके विधानसभा में रहकर के काम किया है और विधानसभा को कितना आगे ले जाने का काम किया है, तभी कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास होगा और उत्तराखंड आगे की ओर जाएगा। आपकी बात से मुझे उम्मीद की किरण भी नहीं दिखाई दे रही। कौन सी उम्मीद की किरण तिलक जी? आपको उम्मीद नहीं है क्या? हमें बिल्कुल उम्मीद है, तभी मैं कह रही हूँ कि आज जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं 21 साल जो उसने भुगता है उसको छोड़ करके आज जो तीसरा विकल्प एक उनके सामने है, आज वो जरूर उस पर मोहर लगाएगा। और कहीं ना कहीं एक तीसरा विकल्प वो भी था जिसने उत्तराखंड को राज्य दिलाया, दावा उनका यही है कि भैया हमने राज्य दिलाया, और वो सत्ता में आए उनकी भागीदारी ये थी कि वो सत्ता किंग मेकर की भूमिका में आए तो सत्ता की गोद में बैठ गए। देखिए आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से दिल्ली में काम कर रही है और वो जनता के सामने एक उदाहरण के रूप में है कि हम कमेंट आया लाइन में एक कमेंट आया मैडम, ये कमेंट पता नहीं क्यों बार बार आता है, वो ये कह रहे कि गैरसैंण को लेकर आपका स्टैंड क्या है, कभी केजरीवाल जी या केजरीवाल के साथ जो नेता है वो कभी गैरसैंण गए हैं? गैरसैंण देखिए गैरसैंण को लेकर आम आदमी पार्टी का सीधा दोनों सीमेंट को
साल में आपके 2017 के घोषणा पत्र में था कि गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे और 5 साल में आपने वो राजधानी कभी केजरीवाल जी कभी गैरसैंण गए क्या? सीमा जी को बताइए, बार बार गैरसैंण नहीं देखा है, आपको गैरसैंण नहीं है। तो माननीय कर्नल अजीत जोगी जी ने और आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, जो आज तक कांग्रेस और बीजेपी नहीं कभी गैरसैंण गए हैं। मैडम आप राजधानी बना रहे, गैरसैंण गए हैं कभी? कभी गैरसैंण गए हैं? कब गए हैं? ऐसा नहीं है कि कर्नल साहब क्या गैरसैंण नहीं गए? ऐसा नहीं है कि वो गैरसैंण नहीं गए हैं। बात नहीं कर रहा, केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल जी के नाम पर वोट नहीं मांग रहे आप? केजरीवाल जी कभी गए हैं गैरसैंण? केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और यहाँ सत्ता कर्नल अजय पोखरियाल जी को चलानी है, जो यहाँ की सारी गारंटी दे रहे हैं। आप गारंटी कार्ड बना रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। अब यही गारंटी आप कैसे दे देंगे जब आपने खुद ही जो है गैरसैण गए नहीं, गैरसैण देखा नहीं, आप गैरसैण को राजधानी बना देंगे? ये कैसी गारंटी हुई मैडम? अजय पोखरियाल जी को यहाँ काम करना है, यहाँ अरविंद जी काम नहीं करेंगे, यहाँ कर्नल अजय पोखरियाल छोड़ के गए हैं। आपके नेता जो छोड़ के गए हैं पार्टी, वो सारे बता रहे थे कि भैया छोड़कर पुतली है, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। लेकिन माननीय कर्नल अजय पोखरियाल जी ने एफिडेविट भी जाहिर किया है कि अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो जनता उसके लिए कोई भी फैसला ले सकती है। तो यहाँ जिम्मेदारी कर्नल अजय पोखरियाल जी को दी गई है। फिर भागीरथ सर आपके पास आ रहा हूँ। सीमा मैडम सुना आपने, ये कह रहे कि तीसरा विकल्प है और जनता समझ चुकी है कि आपने बारी बारी से धोखा दिया। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, यानी कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है, कांग्रेस सबका है क्या? भाजपा पता नहीं कुछ ऐसे ही कुछ बोलते हैं आप लोगों के बारे में, मतलब दोनों कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे है, पूरक है। अनम्यूट कर लीजिए मैडम जी, बोलिए मैडम। मैंने कहा कौन सा विकल्प है, ये एकदम लास्ट विकल्प होगा हमारे उत्तराखंड की जनता के पास। मैडम मुझे बोलने देंगे आप? मैं नहीं बोली ना आपके बीच में। और पहली बात, ये डिबेट नहीं है, चुनाव का टाइम है, लड़ना झगड़ना नहीं है, लोगों को मिसगाइड नहीं करना। अपने विकास की बात करिए, अपनी बात करिए, और आपने बोलना है तो मैं चुप हो जाती हूँ। बोल लीजिए, आपके पास है क्या बोलने के लिए? आपने करा क्या जो आप बोलोगे? पहली बात तो आपके जो प्रवक्ता हैं, आपके प्रवक्ता हैं, उनके ऊपर भी इल्जाम लगे कि वो हरीश रावत के साथ कांग्रेस के साथ मिलके वहां पे उनको वोट दिला रहे हैं। तरह से शराब का इनको बुलवाइए सर, ये तो अनम्यूट कराइए। सीमा जी इससे मुकरिए मत आप, किस तरह से आपका खेल चल रहा है। संगीता मैडम एक एक करके प्लीज, एक एक करके सीमा मैडम अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर संगीता जी आ रहा हूँ आपके पास, उनको बोलने दीजिए। सीमा मैडम बोलिए। इनके पास यही प्रॉब्लम है कि इनको सुनना नहीं आता, करने को कुछ है नहीं, सुनना इनको आता नहीं है। ठीक है, इनके प्रवक्ता भी फालतू के चिल्लाते और आपस में इनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। और क्या इल्जाम? क्या साफ वीडियोस देखी हमने कि हरीश रावत से मिलके वहां पे उनके उनके क्षेत्र में वोट दिलाने की उनको कोशिश कर रहे हैं, ये तो गद्दार है। और साफ साफ उन्होंने बोला, इनके जो पूर्व जिला अध्यक्ष है उन्होंने बोला कि जो जो जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं वो सब खरीद के आए हैं और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड की में जो इतने नेचर है उस प्रकृति को लूटना चाहते हैं, उस प्रकृति को लूटने के मकसद से वो यहाँ पर आ रहे हैं। इनका कोई अपना मकसद नहीं है, इन्होंने उत्तराखंड को देखा तक नहीं। इनके अरविंद केजरीवाल हरिद्वार की बॉर्डर तक नहीं पास कर पाते जो, तो ये क्या करेंगे उत्तराखंड में? इनको उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में पता है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये अपनी जमानत बचा ले वहां से तो बहुत बड़ी बात है, जो ये ऐसी ऐसी बातें करते। फ्री की राजनीति हम नहीं करते, नाम करेंगे नाम है। अच्छा आप कुछ फ्री नहीं दे रहे, ये सब कुछ फ्री दे रहे, आप फ्री नहीं दे रहे कुछ भी? देखिए क्या दिया फ्री, क्या हमने अपनी दृष्टि पत्र में लिखा? हमने लिखा कि बीपीएल धारकों को 3 सिलेंडर, उन माताओं को सहायता दी जाएगी जिनके पास बच्चे हैं और जो बहुत गरीबी स्तर पे, उन बेरोजगारों को 3,000 रुपया दिया जाएगा जिनके पास अभी इस वक्त जब तक रोजगार नहीं है तब तक सिर्फ। और हमने भी अपने में यही लिखा कि क्योंकि इतनी सरकारी नौकरियां नहीं खोली जा सकती तो स्वरोजगार तहत हमने पहले भी लाखों लोगों को 10 लाख से ऊपर हमने स्वरोजगार तहत पे हमने जितनी है उतनी सरकारी नौकरी दे देते। अभी मैं तस्वीरें दिखा रहा था, एक बार दोबारा से प्ले करिए और तस्वीरों में भीड़ देखिए और फिर भीड़ के मायने में समझूंगा भागीरथ सर आपसे कि कुछ जगह से कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें भी आ रही है जहां पर कतार में खड़े हुए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बारी का इंतजार इस बात को लेकर कि बटन दबाएंगे, आवाज कहां तक आएगी ये कोई नहीं जानता।
जैसे अमित शाह बोलते थे ना, बटन इतनी जोर से दबाओ कि आवाज शाहीन बाग तक जाए, ऐसे ही कहते थे ना मैडम, आवाज शाहीन बाग तक जानी चाहिए। शाहीन बाग तो इनकी देन थी, आप आम आदमी पार्टी की देन थी शाहीन बाग। अभी आप करेंगे विकास की बात करेंगे, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम वो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं जो हमने हर जिले में देना है, हम उस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम आयुष्मान की बात कर रहे हैं जो हमने दिया 5-5 लाख तक का लोगों को फायदा, तो हम उस आयुष्मान की बात कर रहे हैं, हम उस जन औषधि की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक गरीब आदमी भी दवाई खा सकता है, उस जन औषधि की बात कर रहे हैं, हम उन टॉयलेट की बात कर रहे हैं जो 3,40,000 टॉयलेट बनवाए गए, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम सड़क कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार भेज रहे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी आ रही हैं, वो हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोकतंत्र के इस पर्व में लोकतंत्र के प्रति प्यार जताते हुए, ये लोकतंत्र के प्रति प्यार, आज मोहब्बत का दिन बोला जा रहा है, ये लोकतंत्र के प्रति मोहब्बत है आज झलक रही है, कतार में लोग दिखाई दे रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, नंबर आएगा और फिर उसके बाद अपने वोट अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। 5 साल तक एक वो मैसेज मैंने पढ़ा था ना सीमा मैडम, हरक सिंह रावत जी रो रहे थे, तो बोले 5 साल तक हमें रुलाया जनता बोली, आज खुद रो रहे हैं। खैर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले संगीता जी आपके पास आ रहा हूं, फिर भागीरथ सर आपके पास आऊंगा, इन तस्वीरों के मायने समझूंगा, जो अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, सुखद तस्वीरें आ रही हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था सीमा मैडम, लिख के भेजा एक आप ही के लग रहा है कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से होगा, वो लिख के भेज रहे हैं कि सीमा मैडम इतना मत कोसिए आम आदमी पार्टी को, कल को इनकी जरूरत पड़ी तो क्या करोगे? सीमा की जरूरत हमें पड़ने वाली नहीं है, और विकास की राजनीति हम करते हैं, हमें आम आदमी पार्टी की तरह मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, और जिसके पास जो सक्षम होता है उस मुफ्त के लिए मांगता भी नहीं है, तो मुफ्त की राजनीति इन्हें मुबारक हो, ना हम करते हैं ना हमें विश्वास है मुफ्त में, हम विकास का करते हैं और बच्चों को यही सिखाते हैं कि प्रगति करिए, आगे बढ़िए, काम करिए और रोजगार लीजिए और औरों को भी दीजिए, सक्षम बनाइए लोगों को भी अपने साथ साथ। मैडम 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन देते हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उनको दिया जाता है जिनको राशन की जरूरत है, उनको मतलब दिया जाता है जब वो कोरोना काल में जब त्राही त्राही मची हुई थी उन लोगों को राशन दिया गया। मैं कह रही हूँ आप इनसे पूछिए ये कोरोना काल में कहाँ गायब थे, किस कुस कुएं में घुसे हुए थे जब ये कोरोना काल में नहीं आ पाए लोगों के पास। ओके सीमा मैडम पूछ लेता हूँ आपने जो बात की, संगीता मैडम आप जवाब दीजिए, इनका कहना यह है कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों की, किस ख्वाब में सो रहे हैं आप लोग, रह रहे हैं, अब की बार 60 पार का नारा है, हम लोग किसी की जरूरत किसी पे मोहताज नहीं होते हैं। 10 मार्च को क्या होगा ये तो जनता इन्हें बताने ही वाली है, और जिस बात को सीमा जी कह रही थी कि अरविंद जी का नाता नहीं है, तो हरिद्वार में उनकी बहन रहती है, तो वो अक्सर के हरिद्वार आया जाया करते हैं, उनको बहुत हरिद्वार की मान्यता है, और जो ये कह रही थी हरिद्वार से आगे नहीं बढ़ते बेचारे, बिल्कुल इन्होंने हरिद्वार, सीमा जी सुन लीजिए आप दूसरों को इन्फो देती है सलाह देती है और खुद उस पर अमल नहीं कर पाती है। मुझे कोई शौक नहीं आपके पीछे बोलने का, बोलिए काम किया है वो काम बिल्कुल दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं तो नवजात शिशुओं की मृत्यु दर का आंकड़ा 2.5 गुना उत्तराखंड में बढ़ा है जबकि और राज्यों में भारत के कम हुआ है, तो इन्होंने ये विकास किया है, इनके विकास की गंगा यहाँ बह रही है, गांव गांव में लोग आज भी वोट का बहिष्कार कर रहे हैं कि वहां रोड नहीं पहुंची है तो वोट नहीं देंगे, तो ये इन्होंने विकास किया है, इनके विकास की गंगा इतनी ज्यादा है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी, ये इन्होंने इतना रोजगार दिया है कि आज भी पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या जो है वो लगभग 5 लाख तक है, तो इन्होंने ये विकास किया है। नहीं नहीं 8,00,501 तो सोचिए आपकी ये विकास की गंगा है कि रोजगार भी मुहैया करा दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया करवाएंगी, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता, आपको बेरोजगारों के आंकड़े नहीं मालूम, रजिस्टर्ड बेरोजगार आप कैसे बेरोजगारी भत्ता देंगे आप? देखिए बेरोजगारों को रोजगार देने की बात आम आदमी पार्टी ने की है और बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात की है, सीमा जी को 2017 का मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा कि दिल्ली में कितनों को नौकरी दी है, यही क्वेश्चन था मेरा अभी भी, दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दी है कोरोना काल में, 405 लोगों को नौकरी दी, 405 लोगों
आंकड़ा बता रही हूँ आपको, आंकड़ा दिल्ली का, दिल्ली का जहाँ से सबसे ज्यादा वोट आपको मिलता है, जहाँ वोटर आपने छीन लिया, वो उन लोगों को मिलते सिर्फ 405 लोगों को नौकरियां दी। झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं आप। जो जो दिल्ली में नहीं कर सके वो यहाँ करके क्या दिखा देंगे? खाली फ्री की बिजली, फ्री का पानी कट हो, कोरोना में लोगों को मरने पे मजबूर कर दिया। आज लोगों को वोट डालने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो पार्टी कोरोना में नहीं सहा काम आए सकी, वो क्या काम आएगी आपके? तो जो आपके बुरे वक्त में काम आए उसको वोट करिए। ये जनता जानती है बुरे वक्त में कौन काम आया, किसने उसका चूल्हा जलाया, किसने उनको राशन दिया, किसने उसका पेट भरा, किसने उसको दवाइयां दी। जिस पार्टी ने साथ दिया उसको ही वोट देगी जनता। जहां आपने सारी सुविधाएं मुहैया कराई, कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए यहाँ पता है आपको? बताती हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन भी देती हूँ, आप रुक जाइए, आप इसका आंसर मैं दूंगी आपको। आरटीई के तहत हर प्राइवेट स्कूल, जहाँ सपना होता है एक गरीब आदमी के जाने का, वहां पर 25% आरटीई के तहत हमने सारे बच्चों को कंपल्सरी कर दिया। हमने ये कह दिया था कि आप लोगों पे पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने 25% लोगों को एडमिशन नहीं दिया, और सब जगह हमने इंस्पेक्शन करवाया कि 25% है कि नहीं है। तो 25% के हिसाब से अगर आप काउंट करिए तो हर वार्ड में जो स्कूल है उस वार्ड की उस स्कूल को 25% मिलेगा। जो आप कहते हैं आपको पता भी कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ के कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं आज। सीमा मैडम, क्या भागीरथ सर, इन मुद्दों के आधार पर जिनका मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है, इन मुद्दों के आधार पर वोट तो मांगा नहीं जाता, लेकिन जिस समीकरण का जिक्र किया जा रहा है, जिसका दावा संगीता शर्मा जैसे आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता कर रहे हैं कि इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, चौंकाने वाले, तो क्या जो 2017 को छोड़ के, क्योंकि 2017 एक अपवाद वाली स्थिति थी जहां पर एक लहर थी, सुनामी थी, मैं 2012 का जिक्र करूं, 2007 का जिक्र करूं, या फिर 2002 का जिक्र है, वहां पर भी एक स्थिति यह थी कि भाई ठीक है कि जनता ने अपना मिजाज जो है रुख दे दिया भैया कांग्रेस की तरफ, लेकिन फिर भी ये दो चुनाव 2007 और 12 वाले ये तो बताते हैं ना कि किंग नहीं तो किंग मेकर वाली भूमिका में निर्दलीय भी आते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं थोड़ा सा एक बात, मैं सीमा जी कह रही थी कि हम विकास पर बात कर रहे थे, और मैं आपको बता दूं चुनाव आयोग की जो टीम है जो मतदान कराने गई है, शायद जानकारी ना हो, और ये लिखित में है कि 10 से 18 किलोमीटर पैदल चल करके मतदान पार्टियां बूथ तक पहुंची हैं। अब अगर विकास हुआ था, सड़कें बन गई, सड़क संपर्क मार्ग बन गए, तो ये पोलिंग पार्टीज को जहां बेहद सर्द मौसम है, कहीं कहीं बर्फ पड़ी है, बर्फ को रौंद करके भी पोलिंग पार्टियां बूथ तक पहुंची हैं, तो एक पोलिंग बूथ ऐसा भी है जहां 18 किलोमीटर पैदल उनको जाना पड़ा, तीन दिन पहले उनको रवाना किया गया। तो ये विकास की सच्चाई तो थोड़ा बहुत ये भी है, और 22 साल हो गए तो कम से कम हम तो अभी मेरी जो जानकारी है हजारों गांव हैं, तोक हैं, वहां तक हम सड़क संपर्क मार्ग तक नहीं पहुंचा पाए हैं। एक तो ये बात रही। दूसरा, जैसा कि आप कह रहे थे कि 2007 और 2012 का जो इलेक्शन था, निश्चित रूप से 17 का इलेक्शन एक लहर थी, एक जो आप कह रहे हैं सुनामी थी, लेकिन 7 और 12 में निश्चित रूप से जो चुनाव हुआ वो सत्तारूढ़ पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में चुनाव हुआ था, और एक नाराजगी थी। हालांकि एक बड़ी गौर करने लायक बात ये होगी कि जब अंतरिम सरकार बनी और लगभग 1.5-2 साल उन्होंने राज किया, 2002 में जो इलेक्शन हुआ था वो विकास के मुद्दे पर था, और ये भी एक सुखद है, हर कोई उसको अनुभूत करेगा कि 2002 से 2007 का जो सरकार थी उसने जो है एक अच्छी आधारशिला प्रदेश में रखी, चाहे उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, प्रदेश की आर्थिकी के विकास में हो, हमारा जो रेवेन्यू में जो इजाफा करने के लिए जो पूंजीगत जो निवेश हुए वो बहुत शानदार रहे, और उसके बावजूद कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर कर दी गई 2007 में।
और 2007 से 2012 में फिर बीजेपी की सरकार बनी और तीन बार मुख्यमंत्री तीन शपथ हुई, तो पहले खंडूरी जी आए, फिर निशंक जी आए, फिर खंडूरी जी आए, फिर खंडूरी जी आए। तो जी, और वो जो है फिर 2012 में जो चुनाव हुआ, मुझे लगता है कि जनता नाराज थी, वो नहीं चाहती थी कि ये पांच साल में तीन बार मुख्यमंत्री और कैबिनेट का गठन हो, तीन बार शपथ हो, और इससे जो राजनीतिक अस्थिरता किसी पार्टी ने नहीं पैदा की, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वही राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन गई, और जो 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 कहते हैं पद लोलुपता संभवतः उसमें हावी रही हो, जो भी कारण हो वो बेहतर जानते हैं इस चीज को। और जब दोबारा जब ये आप देखिएगा, जब 2017 में से मैं सत्ता में आई बीजेपी, फिर तीन मुख्यमंत्री दिए, तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। जो भी सरकार आए, सरकार भले से, क्या ये वाकई में मुद्दा है जनता के जहन में? जब आप लोग वोट मांगने गए तो जनता ने आपसे पूछा ये बात कि भाई आपने तीन मुख्यमंत्री क्यों दिए? जनता पूछती तो होगी ना कि आपने तीन मुख्यमंत्री क्यों दिए, या फिर जनता पूछती नहीं ये सवाल? मैडम अनम्यूट कर लीजिए जी। जनता ने तो कभी नहीं पूछा। हाँ, लोग जरूर इस बात को डिबेट्स में कह देते हैं, पर जनता ने कभी नहीं कहा। जनता हमेशा कहती है विकास की बात, विकास की बात कहती है। जैसा सर ने बोला तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमने सत्ता ली तो 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, 17,600 गांव में हम बिजली ऑलरेडी दे चुके हैं, और जो बचा कुचा टारगेट है वो भी हमने इस साल तक खत्म कर देना था। रही सड़कों की बात, तो सड़कें भी सर कितने ऑलमोस्ट गांव में थी नहीं, लेकिन सड़कें भी 20% से ज्यादा, 20% से भी कम, यानी कि हार्डली 18-60% जो है वो बची हैं, जो हम लोग कर देंगे कवर, जो बिल्कुल इंटीरियर में जाके है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो विकास जितना कम था वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसको भरते 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 समय लगा, लेकिन वो भी हो जाएगा। 4,30,000 टॉयलेट्स हमने दिए गाँव में, जो थे ही नहीं। आप बताइए कि हमारे यहाँ जो रेप केसेस होते हैं वो होते ही इस कारण है गांव वगैरह में, ताकि जब लड़कियां जो होती है या तो बेचारी पेट पकड़ के सारा दिन बैठी रहती हैं, बिटिया हमारी जो जाती हैं वो रुक या तो रात को जाएंगी या अर्ली इन द मॉर्निंग जाएंगी, तो आप देखिए सारा दिन वो इस तरीके से बैठी रहती हैं। तो जो रेप होते हैं, जब घर में अगर कोई पुरुष नहीं होगा साथ चलने को, या कोई काम पे गया होगा तो वो अकेली जाएगी लड़की, और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म होता है, जंगली जानवर के शिकार हो जाती है वो लड़कियां। तो उसपे हमने पहल करके 3,40,000 हमने टॉयलेट्स बनाए। तो ये विकास नहीं है जो हमने बिजली बचाई, ये विकास नहीं है जो सड़कें चार धाम तक चढ़ के पहुंच गई, रेल रेल कनेक्टिविटी पहुंची, एयर कनेक्टिविटी मुद्दा नहीं है। नहीं नहीं, भागीरथ जी कह रहे हैं तीन मुख्यमंत्री बदल देना कोई मुद्दा नहीं है। सर देखिए, जहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मुख्यमंत्री ने तो तीनों ने काम किया, ऐसा कुछ नहीं कि उनका काम रुका हो। प्रॉब्लम जब आई थी तो आई थी उनके आपसी सामंजस्य, वहां पर उनको जो है हटाना पड़ा। किसके साथ ये आपसी सामंजस्य की दिक्कत थी? आपस में जो MLAs होते हैं उनके आपस में थी, लेकिन सरकार गिराने का कोई, जनता ने कुछ नहीं कहा था कि उन्होंने काम नहीं किया तो उनको गिराया जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन हमारा सीधा जो है उनको थैंक यू बोल दिया आपने। नहीं सर देखिए, हमारी तभी तो हमारी डबल इंजन है, और डबल इंजन हम इसीलिए तो जनता को आज भी कहते हैं कि डबल इंजन मतलब एक इंजन खराब हुआ तो तुरंत जो है चेंज कर दिया, डबल इंजन मतलब नहीं खराब तो कर दिया, एक तो हमेशा रहा ना परमानेंट इंजन जो दिल्ली से चलता है, मतलब दूसरा खराब वो रहा ना, तो विकास की धारा तो उन्होंने प्रभावित नहीं होने दी, वो कंटिन्यू चलती रही। यहाँ पे हमने चेंज करा भी लेकिन एक धारा तो चेंज नहीं हुई, तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर विकास चाहिए जनता को तो दो मंत्री बदलने से विकास पर कोई असर नहीं पड़ता। नहीं बिल्कुल नहीं पड़ा, कोई मुख्यमंत्री कोई भी रहे, चाहे वो खंडूरी जी रहे या फिर निशंक जी रहे या फिर तीरथ जी रहे या त्रिवेंद्र जी रहे या फिर धामी जी रहे, कोई भी जी रहे 3G रहे 4G रहे 5G रहे 6G रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता विकास पर। जी त्रिवेंद्र जी ने जितनी योजनाएं बनाई, ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा उनकी योजनाएं थी, उनको किसी को रोका नहीं गया, वो कंटिन्यू चलती गई। रावत जी ने जो करा नहीं रोका गया। फिर त्रिवेंद्र जी के फैसले बदल क्यों दिए धामी जी ने? फैसले ऐसा कुछ होगा जो नहीं उनको सही लगे होंगे, लेकिन जो योजनाएं जो जनहित की नहीं वो उन्होंने दिया, लेकिन वो मैंने ये क्या बोला जो जनहित की नहीं, और जो जन एडवाइस उनकी
मेरे को लेट मी कंप्लीट फर्स्ट उनकी जहाँ लोगों की सहमति नहीं बनी, ये भी बात सोचिए ना, देवस्थाना बोर्ड अपने अपने आप में एक अच्छा बोर्ड था क्योंकि वैष्णो देवी का भी बोर्ड चल रहा है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन क्योंकि यहाँ के पंडा पुरोहित हमारे जो देव तुल्य हैं उनको उनको नहीं उससे एग्री हुए वो लोग, जब उससे एग्री नहीं हुए उनमें रोष था, तो हमने इसलिए वापस लिया, इसलिए वापस लिया क्योंकि उनकी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन ये नहीं था कि त्रिवेंद्र जी ने बनाया इसलिए हम हटा रहे, नहीं, हमने सिर्फ पंडा पुरोहितों की असहमति को देखते हुए हमने इस बोर्ड को वापस ले लिया। तो दो चीजें आती हैं, जहां पर जनता की हित हो वो चीज हमने कभी वापस नहीं ली, जहां पर जो सामंजस्य ना बैठे, आपसी सामंजस्य ना बैठे जनता और सरकार में, वो वापस ले। ओके संगीता जी, सुना आपने सीमा मैडम ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बोले कोई मुद्दा ही नहीं होता, तीन तीन मुख्यमंत्री बदल दिए, कोई मुद्दा ही नहीं है, जनता को विकास से मतलब है, हम विकास देते हैं इसलिए हम विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसलिए जो है जनता नहीं पूछती हमसे कि तीन तीन मुख्यमंत्री क्यों दिए। आई एम राइट सीमा जी, आपने यही कहा था? Yes. वो कह रहे कोई मुद्दा Yes. नहीं तीन तीन मुख्यमंत्री का, हम तीन दे, दस दे, पंद्रह दे, बीस दे, हमारी भ्रष्ट नहीं रखेंगे, भ्रष्ट नहीं रखेंगे, जैसे कांग्रेस ने भ्रष्ट को रखा, हम नहीं रखेंगे। हम एक मुख्यमंत्री बनाए या दस, इससे क्या सरोकार है? तो फिर इनके जो नेता नेतृत्व के नेता अगर भी अपने भाषण में ये बात बोलते हैं, लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता है और बार बार मुख्यमंत्री बदली जाती है, पिछले हम 10 साल की बात करें तो 7 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को जो मिले हैं, तो कहीं ना कहीं विकास में अवरोध पैदा होता है, और एक मुख्यमंत्री से दूसरा मुख्यमंत्री बनाने में क्या पैसा खर्च नहीं होता है? सीमा जी इस बात का जवाब दीजिए, कहीं ना कहीं धन का भी दुरुपयोग होता है जब आप एक मुख्यमंत्री से दूसरा मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो आप 4.5 साल जनता पूर्ण बहुमत की सरकार दे रही है, पूर्ण बहुमत से चुन करके किसी को विधानसभा में भेज रही है कि अब हमारे उत्तराखंड का विकास होगा, लेकिन 4.5 साल बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरा मुख्यमंत्री और फिर दूसरा मुख्यमंत्री, तो क्या काम हो पाया? कितनी घोषणाएं पिछले 7 साल में हुई है सीमा जी, आपको पता है 9,245 लगभग घोषणाएं उत्तराखंड में हुई है और 7 मुख्यमंत्री के कार्यकाल, और केवल 18 घोषणाएं कंप्लीटली वहां पर पूरी हुई है, तो ये कितनी बड़ी राजनीतिक अस्थिरता है, जवाब दीजिए आपकी, क्या ऐसा होना चाहिए? तो ये विकास का मॉडल है क्या उत्तराखंड का? अभी आप धामी जी को ही देख लीजिए, 1,049 लगभग उन्होंने घोषणाएं की, लेकिन 163 के शासनादेश हुए, बाकी के शासनादेश भी नहीं हुए, तो कितनी आप पूरी हो पाई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस तरह के विकास जो हो रहा है, जो सीमा जी बात कर रही है, इसीलिए आज भी हम सड़क जैसी मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, जैसे भागीरथ भाई साहब ने कहा कि आज भी 18 किलोमीटर पोलिंग पार्टियां चल करके गई, तो 21 वर्षों में अगर गाँव तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। पूछ लेता हूँ सीमा जी, वैलिड पॉइंट था कि नहीं भागीरथ जी का, वो ऑल वेदर रोड वहां तक नहीं पहुंची थी क्या, जहां पर पोलिंग बूथ जो है वो वहां तक लोग पैदल जा रहे 17-17 किलोमीटर तक, तो फिर वहां तक ऑल वेदर रोड नहीं पहुंची? अनम्यूट कर लीजिए मैडम जी। पहुंचेगी वहां तक भी, मैंने बोला कि जब गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो भरने में समय लगता है, अभी आम आदमी पार्टी की जो हमारी तो गड्ढे क्यों थे, आपको क्या लगता है? गड्ढे क्या सर, बिल्कुल रॉ था, उत्तराखंड में विकास था कहाँ? उत्तराखंड को आज उत्तराखंड में उत्तराखंड को तो अब जानने लगे, हमारे उत्तराखंड को तो किसी उसमें रखते ही नहीं थे, कितना विकास हुआ उत्तराखंड में, आज उत्तराखंड ऑर्गेनिक खेती में उत्तराखंड को अवार्ड मिला है, उत्तराखंड को आज चाहे मंडवे जैसा आप ले लीजिए, लेमन ग्रास ले लीजिए, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रही है सब चीजें, तो ये किसने की? अब ज्यादा जानने, भाई ये नहीं बोले कि कोई कुछ पता नहीं था, किसी मैप में नहीं था, लेकिन मैंने कहा प्रगति करने की वजह से आज जाने लग गए, और अच्छा। ऑर्गेनिक की लहजे से जाने लगे, तीर्थ जो हमारे चारों धाम थे, चारों धाम में कहां लोग जा पाते थे, मुश्किल से चुनिंदा लोग जाते थे, आज आप देख लीजिए भरे रहते, केदारनाथ जो सबसे डिफिकल्ट है वहां पर लोग कितना जाने को तैयार रहते हैं, हर जगह हिमालय में जाने को तैयार रहते हैं। अच्छा काम किया केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर, कर्नल कुटिहल ने कहा मोदी जी की है सब जयंती जो उन्होंने केदारनाथ पुनर्स्थापित किया पूरी तरीके से, कर्नल को क्या कर लेते हैं, हरीश रावत जी ने पर्दे लगा लगा के लाशें ढकी थी, आपको भी पता था,
सबको पता था वहां पे कोने में लाशें पड़ी रहती थी, पर्दे ढके हुए थे और लोगों को शुरू कर दिया ढकने वाला। ना ना ना, जो लाशें ढकने वाला शासन काल था वो बोगड़ा जी का था। कंफ्यूज हो रही है मैडम आप। मैं तो कांग्रेस की बात कर रही हूँ। अच्छा, मतलब बोगड़ा जी की बात करेंगे आप? अच्छा, कांग्रेस की बात कर आपको यहाँ पर इंसान जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि चार धाम जो लोगों की दिल में बसता है, चार धाम, वो चार धाम तक जाना इतना सुलभ हो चुका है। वहां पर लोगों को चाहे प्रसाद का हो, चाहे वैसे जब ऑलरेडी यहाँ पर कोई पर्यटक स्थल बन गया और हमारे मतलब की तरह भी लोग देखने लगे हैं, और जो हमारे नए दृष्टि उसमें है, दृष्टि पत्र में उसमें भी लिखा है कि हमें लगभग 45 जो है नए पर्यटक स्थल का करेंगे और रोप वे भी उसमें स्टार्ट कर। 2017 में आपने नाम रखा था विजन डॉक्यूमेंट, नाम तो कुछ भी रखे, नाम बहुत अच्छे अच्छे पूछते हैं सब। लेकिन मैंने तो ये बोला, 2017 वाला विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा था आपने? पढ़ा था सर, उसमें ऑलमोस्ट हमारे 90% बातें हम पूरी कर चुके हैं, 10% बची थी वो भी बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि कोरोना आ गया था तो कोरोना में हम करीब 2.5 साल खराब हुए। 100 दिन में लोकायुक्त लेकर आएंगे, वो पढ़ा था आपने? पढ़ा था। क्योंकि हमें जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी लोकायुक्त। हाँ, जरूरत पड़ी ही नहीं लोकायुक्त चाहिए ही नहीं। जीरो टॉलरेंस पे चलाई ना सरकार, या तो प्रूफ करके चले जाते हैं कि उनकी सरकार भ्रष्ट है, शायद इसीलिए लेकर आते खंडूरी। आप बताइए, इतना ईमानदार छवि के नेता, उनको जरूरत महसूस हो रही थी कि भैया मैं लोकायुक्त आता हूँ, लेकिन आपकी सरकार जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको जरूरत महसूस नहीं हुई कि लोकायुक्त ले आऊं, कह रहे कि हम तो भैया भ्रष्टाचारी है। खंडूरी जी ने तो मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में लाने की रजामंदी थी। खंडूरी जी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के दायरे में आए। यहाँ तो ये कहते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, सीमा मैडम, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पूछा, धामी जी से, मेरा कस्टमर आ गया, पूछा मैडम कि लोकायुक्त आएगा कि नहीं, उन्होंने आप ही की तरह बोला कि हम भ्रष्टाचारी थोड़ी ना है, कि लोकायुक्त की तरह तक खड़े रहिए, फिर मैंने कहा लोकायुक्त की जरूरत है या नहीं, बोले नहीं लोकायुक्त को लेकर अभी फैसला लिया जाएगा। मैंने कहा खंडूरी जी का सपना पूरा करेंगे कि नहीं, तो वो कह रहे थे कि हमने थोड़ी ना प्रवर समिति के पास है। ये पहली बात हुआ कि सरकार की तरफ से प्रवर समिति को भेजा गया, ये नहीं बताया मुख्यमंत्री ने। खैर छोड़िए, आप कह रहे लोकायुक्त मतदानी है, लेकिन संगीता जी जो बात भागीरथ जी कह रहे हैं, सीमा जी कह रही हैं, इत्तेफाक करते हैं आप, लोकायुक्त मुद्दा है कि नहीं उत्तराखंड? जी, लोकायुक्त मुद्दा है और आना भी चाहिए। जो उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया है, या भ्रष्टाचार उत्तराखंड में 21 वर्ष में बहुत ज्यादा हुए हैं दोनों ही सरकारों में। अभी हम कोरोना की भी बात करें तो टेस्टिंग घोटाला हुआ, कुंभ में घोटाला हुआ, तो निशंक जी के टाइम घोटाला हुआ, तो NH-74 में घोटाला हुआ, तो इतने घोटाले हुए हैं और किसी को भी अभी तक सजा नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं लोकायुक्त आता तो सबका दूध का दूध और पानी का पानी होता और जो भी दोषी थे उनको सजा मिलती। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि लोकायुक्त आता तो 56 घोटाले भी सामने आ जाते तिवारी जी के शासन काल के, जो आरोप बीजेपी लगाती थी, फिर कांग्रेस ने एक लिस्ट बनाई थी 156 घोटालों की, वो भी सामने आ जाती, और फिर उसके बाद जो है ये सारे घोटाले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता अगर लोकायुक्त आता तो। आप ये कह रही जी बिल्कुल, सब इसके दायरे में रहते तो वो बहुत दिल्ली में है क्या लोकायुक्त? दिल्ली में आप भी जानती हैं कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, वहाँ लोकायुक्त के बैठने के लिए जगह नहीं है। जिस आंदोलन की कोख से आपकी पार्टी का जन्म हुआ आप उसी मुद्दे को भूल बैठे दिल्ली में, उस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हैं कि भैया लोकायुक्त लेकर आएंगे हम। आप यहाँ कहते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बना देंगे हम, गैरसैंण कभी गए नहीं लेकिन राजधानी बना देंगे गैरसैंण। यहाँ ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग यहाँ सरकार चलाएंगे गए हैं या गैरसैंण के बारे में नहीं जानते हैं। पिछले 21 वर्षों में जो यहाँ भूमि है उन्होंने तो उनकी स्थायी राजधानी बना करके नहीं दी, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ सरकार नहीं चलाई, बीजेपी ने ही चलाई है।
21 वर्षों में एक स्थायी राजधानी मिल जानी चाहिए थी जो हमारी। ये बहुत अच्छी बात है मैडम, लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका भी स्वागत है। और ये देखिए भागीरथ सर, ये भले ही बोलते हैं कि 40% महिलाओं के हिस्सेदारी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अन्यथा मत दीजिएगा कमलेश मैडम, लेकिन देखिए हमारे पैनल में हम देते हैं पूरी कोशिश करते हैं 50% 100% हिस्सेदारी महिलाओं की रहे हमारे पैनल में। आप सभी मातृशक्ति को, उत्तराखंड की मातृशक्ति है हमारी। लेकिन कमलेश मैडम, देखिए संगीता मैडम कह रही है कि अब जनता जो है वो तीसरा विकल्प खोज रही है, तीसरा विकल्प। और आम आदमी पार्टी और देख चुकी है कि भैया की बारी, देखा सबको बारी बारी, अब की बारी आम आदमी पार्टी की बारी। देखिए अब मैं संगीता जी से क्या कहूँ, अभी आपने भी खुद भी कहा कि जहां से इनका जन्म हुआ लोकायुक्त को लेकर के, जब अन्ना हजारे जी के साथ में केजरीवाल जी बैठे थे तो बड़े बड़े झंडे के साथ में कह रहे थे कि लोकायुक्त आज दो, और अभी तो हम तभी उठेंगे यहाँ जंतर मंतर से, तभी उठेंगे दिल्ली की राजधानी से। और आज वही भूल गए, जिस सत्ता के पायदान पे चढ़कर के केजरीवाल जी दिल्ली तक पहुंचे, वो भी लोकायुक्त ही था, तो आज सत्ता का सुख भोग रहे तो लोकायुक्त तो वो खुद ही भूल गए। तो आज संगीता जी कैसे कह सकती थी कि लोकायुक्त लगना चाहिए, इनको तो दिल्ली में लागू कर देना चाहिए था, ताकि वहां से शुरुआत हो जाती भ्रष्टाचार की, लोगों को जेल में डालने की। तो अगर संगीता जी ये बात कहती है आप पार्टी से कि उत्तराखंड में आपकी बारी, आप पार्टी में, मैं बताना चाहती हूँ कि आप पार्टी के बसों में जाकर के देख लीजिए, बसों पर एक भी व्यक्ति नहीं है आप पार्टी के, उनके बस्ते तक खाली पड़े हैं। तो कैसे आप पार्टी कह सकती है कि वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं इस उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड तो वो चीज है कि जो उत्तराखंड के अंदर रहेगा, उत्तराखंड का काम करेगा, उत्तराखंड में विकास करेगा, जनता उसी को चाहेगी। और आज की महापर्व है, छोड़िए ना आम आदमी पार्टी को, तो हर डिबेट में आप लोग कोसते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आज 14 फरवरी का इंतजार बेसब्री से आप लोगों को था, सीमा जी को भी था, संगीता जी को भी, आपको भी, क्या है मौसम का मिजाज क्या है? भागीरथ सर बता रहे थे मुझे कि बाहर तो धुंध छट गई है, मतलब धूप खिली हुई है, लेकिन सियासी आसमान में कोहरा आज भी है, आपको महसूस हुआ वो कोहरा? कमलेश मैम बिल्कुल देखिए, वैसे भी आज तो वैलेंटाइन डे है, आज तो वैसे भी देश के अंदर एक वैलेंटाइन डे का पर्व भी मनाया जा रहा है, और दूसरा आज वोटिंग का पर्व भी है, और पूरे उत्तराखंड के अंदर खुशी का माहौल है, क्योंकि इस वक्त जो सरकार आने जा रही है वो कांग्रेस की आने जा रही है, और तब विकास भी चलेगा, रोजगार भी मिलेगा, पलायन भी रुकेगा, और महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर भी मिलेगा, 1000 रुपए के सिलेंडर से मुक्ति मिलेगी महिलाओं को, और जो बेरोजगार हमारे युवा साथी है उनको रोजगार मिलेगा यहाँ उत्तराखंड के अंदर। तो आज खुशी से सब लोग कांग्रेस के लिए वोट कर रहे हैं, और अपील भी कर रहे हैं हम लोग की कांग्रेस को वोट करें, ताकि एक जो है ऐसी सरकार आए। आप लोग मुद्दों को छू, आवाम के मुद्दों को छू पाए, चुनाव को दिखाई दिया ना, अंतिम वक्त में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, एक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा था एक दल, तो ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की सियासत पर आकर टिक गया ना मुकाबला। तो नहीं देखिए, हम लोग धार्मिक उसमें राजनीति नहीं खेलते हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति गलत है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने ये चीजें बोली है, ये उस व्यक्तिगत का अपना खुद का निर्णय है, उसमें खुद की सोच है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से या कहीं तक भी ऐसी कोई चीज नहीं आई है कि हम धर्म के नाम पर राजनीति करें और तुष्टीकरण की राजनीति करें, क्योंकि ये काम कांग्रेस का नहीं है। ये काम तो आप जानते हैं जिन लोगों का है, कि धर्म के नाम पर जो लोग वोट मांगने का काम करते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती है, कांग्रेस साफ छवि के साथ में चुनाव लड़ती है, और बहुत ही जन समाज के साथ में खड़े होकर के विकास के काम पर चुनाव लड़ती है, क्योंकि विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस वक्त तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जो व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूं, समझता हूं, कमलेश मैडम आप तो ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले वर्कर्स में से एक हैं, आम आदमी पार्टी का क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको ग्राउंड जीरो पर? देखिए, क्योंकि वो जैसे अभी छोटा बच्चा होता है ना, बच्चा थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, तो अभी तो आम पार्टी हमारी अभी चलना ही सीख रही है, अभी धीरे धीरे कहीं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। जैसा जो मॉडल कहते हैं कि हम दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में लाएंगे, तो दिल्ली में 430 नौकरी थी 5 साल में, क्या वो वाला मॉडल उत्तराखंड के अंदर लाएंगे? ऑफ द रिकॉर्ड क्या वो मॉडल लाएंगे? ऑफ द रिकॉर्ड आपके नेता बोल रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बोले तिलक भाई इनका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कांग्रेस के वोट काटेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस का वोट काटेंगे। कईयों ने तो बताया कि बीजेपी की बी टीम है, इसलिए कांग्रेस के लिए काम करने आए हैं और बीजेपी के लिए काम करने आए हैं।
असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? देखिए क्योंकि उनका जराधार उत्तराखंड के अंदर अभी इस वक्त नहीं है, तो इस वक्त अगर उनके कोई कैंडिडेट खड़े तो बहुत ही डमी कैंडिडेट उन्होंने हर जगह पे उतार रखे हैं, और इतने सारे लोगों ने आप पार्टी को अभी अभी छोड़ा है, 28 लोगों की एक ऐसी लिस्ट है जो अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। मैंने दिखाई थी 4 दिन पहले भी दिखाई थी, वो 28 नहीं शायद 32-33 थे, 33 थे, 28 नहीं 33 थे, वो मैंने दिखाई थी वो, और उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि चिंटू मिंटू पिंटू हो, सारे के सारे बड़े नेता थे जिन्होंने पार्टी को अलविदा कहा, जिन्होंने आप पार्टी को खड़ा करने में अपना अहम योगदान दिया, वो लोग थे जिन्होंने वो पार्टी छोड़ी है। ओके मैडम, चलते रहते हैं ना ये, तो आपके यहाँ भी कई पार्टी को खड़ा करने वाले चले जाते हैं, हाँ, फिर आ जाते हैं वापस, है ना? हाँ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पार्टी का जिस भी बंदा जहाँ जाता है वहाँ जाता है, वहाँ काम करता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि इस वक्त कांग्रेस की सरकार आ रही है, युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है, महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर मिलने जा रहा है, उत्तराखंड का पलायन रुकेगा, चार धाम चार। देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की, लेकिन ये क्या वाकई में आम आदमी पार्टी कोई असर नहीं डाल रही है? कांग्रेस के नेता तो खुद मान रहे थे कि भैया कहीं ना कहीं असर तो डालेगी और कांग्रेस के वोट ही काटेगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही है, भागीरथ सर मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी कहीं कुछ नहीं है। देखिए राजनीति में जैसे आपने भी कहा है और उत्तराखंड में रिकॉर्ड है कि 4 मतों से हार जीत हुई है, और चूंकि आम आदमी पार्टी लगभग सभी सीटों पे चुनाव भी लड़ रही है, और मेरी जो जानकारी है तराई बेल्ट में कम से कम 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन की ओर है, तो निश्चित रूप से जी जी तो मैं बल्कि ये भी माना जा रहा था अभी कुछ दिन पहले कि संभवतः ये त्रिकोणीय मुकाबले में आ जाएंगे, और स्थिति है अब वो किसका कहाँ कितना वोट काटेंगे ये मैं नहीं कह सकता। और जहां से कमलेश रमन खुद वो मांग रही थी, टिकट मांग रही थी, उनको दिया नहीं, और उसमें एक बहुत बड़ा जो मलिन बस्ती वाला इलाका है वहाँ आम आदमी पार्टी की जो हमने देखा है कि अच्छा प्रभाव डालने की ओर अग्रसर थी, और वैसे ही धर्मपुर क्षेत्र में और कई अन्य ऐसे स्थान हैं जहां पर आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विजय की ओर है, लेकिन वोट अच्छे अच्छे इतने वोट ले लेंगी कि किसी का खेला तो हो ही जाएगा और किसी का खेल खराब हो जाएगा, तो अच्छा। ऐसा नहीं है, हम कमजोर मानते संगीता मैडम, क्योंकि कमलेश मैडम बोल रही थी कि भाई आप लोग तो बीजेपी की बी टीम है, कमलेश मैडम बता रही थी कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है, और भागीरथ सर मैंने ये जिक्र नहीं किया था कि कमलेश मैडम टिकट वाली बात, मैं अब जख्मों पर जो है ना करोल में भी जा रहा हूं, मैं चूंकि मैं पत्रकार हूं तो मेरा ये बहुत बहुत मैंने इनको देखा है, मैं बहुत भली भांति जानता हूं, और वास्तव में ग्रास रूट की कार्यकर्ता है, डिजर्विंग थी, लेकिन इनको है वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ 40% कहीं वो उस पैरामीटर में संभवतः ये नहीं आ पाई। वैसे मैं तो कहूंगा लड़की लड़े क्यों, ससुराल जाएगी वहां लड़ेगी, देवरानी से जेठानी से सास से तो गड़बड़ हो जाएगा, तो लड़ना नहीं कुछ प्रेम करना भी सिखाएंगे ये अच्छा रहेगा, तो ये मैं ये बात मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूँ, कमलेश हमारी बहन है और मैं बहुत अच्छा इनको हमारी बहन है, लेकिन इनके साथ ये है कि कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई आकर ये बोले कि नहीं भाई मेरी पुत्र वधु को टिकट, ऐसा भी नहीं है। जी जी जी, इसलिए अन्यथा नाले हमारी बहन मेहनती है और मेहनती रहेंगी, इसमें अब इन्हें पता भी नहीं है पहले तो हम भी कर रहे थे इनके लिए नहीं नहीं इस बार नहीं तो अगली बार पक्का। संगीता मैडम, कमलेश जी बता रही थी कि ये जो आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है ना वो सिर्फ इतना है कि बीजेपी के साथ इनकी डील हुई है और आप लोगों ने जानबूझकर डमी कैंडिडेट उतारे और कांग्रेस के वोट काटने के लिए आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ी, उसका कुछ असर दिखाई देगा उस सीटों पर, भागीरथ सर भी यही कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस ने अगर उत्तराखंड के लिए काम किया है तो उनके वोट क्यों कटेंगे, ये उन्हें आश्वस्त हो जाना चाहिए। जिस तरह से भाजपा कांग्रेस कहती है कि हमने यहाँ बहुत विकास की गंगा बहाई है,
और उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया है, तब तो इन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस में होना चाहिए कि हमारे वोट कोई काट ही नहीं सकता क्योंकि हमने उत्तराखंड को विकास के लिए। तो कहीं ये लग रहा है कि इनके वोट शिफ्ट होने वाला है आम आदमी पार्टी में, तो जितने लोग कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं या बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, इसका मतलब कि यहाँ काम नहीं हो रहा कांग्रेस का वोट, इसलिए आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी खुद ए टीम है। अच्छा, आम आदमी पार्टी खुद ए टीम है, वो किसी की बी और सी टीम बन करके नहीं आई है। तो और आम आदमी पार्टी आप ही के जो पूर्व प्रवक्ता हैं वो यहाँ बैठे हुए थे स्टूडियो में, बोले कि तिलक भाई बीजेपी वालों के साथ इनकी डील हुई है, डमी कैंडिडेट उतारे हैं इन लोगों ने, पैसे लेकर डील हुई है बकायदा, टिकट नहीं मिला तो एक जो बौखलाहट थी वो कहीं ना कहीं अंदर दिखाई दे रही थी और वो कुछ भी बोल सकते हैं, लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन किसी के बोलने से कुछ भी नहीं कि वो सत्य है। तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी जो बात कमलेश जी कह रही है? देखिए, आम आदमी जनता से जुड़े मुद्दे जो चाहते हैं, जो चाहते हैं यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, वो सभी आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे और जनता आम आदमी पार्टी को इस बार। लेकिन संगीता मैडम, लाइव में कमेंट आया, लाइव में अभी कमेंट आया, संगीता जी कम से कम आज तो सच बोल दीजिए कि गंगोत्री में आपकी जमानत बच रही है कि नहीं? देखिए, ये तो गंगोत्री की जनता जो है वो डिसाइड कर चुकी होगी, आधा समय बीत गया है, आधा समय बाकी है कि उन्हें किसको विधानसभा पहुंचाना है और किस तरह से गंगोत्री में विकास की गंगा बहानी है। मैंने तो गंगोत्री जब मैं हम राजनीति की पाठशाला में गए थे तो भागीरथ सर जैसे हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे वो सिखाते थे बना ली सरकार, मैं इसलिए सवाल राजाराम जी बोल रहे। देखिए, वो तो यहाँ पर देखते हैं कि गंगोत्री जो जीतता है उसकी सरकार बनती है, अब देखते हैं इस बार कितने मिथ टूटेंगे और क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो दो ही पार्टियां थी, तीसरी पार्टी उत्तराखंड में नमकम से चुनाव लड़ रही है। आप इतना आशा उम्मीद तो रखते हैं संगीता मैडम, आपकी बातों से ऐसा, देखिए भागीरथ से बता रहे कि दो सीटें ऐसी है जहां इफेक्ट पड़ रहा है आम आदमी पार्टी का, ये तो नाम भी नहीं दे रहे थे, मैं नाम डाल रही है नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। अमलेश मैडम अपनी बात रखें, संजीव वर्मा जी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी है आम आदमी पार्टी के आने से। नहीं नहीं, देखिए संगीता जी अपनी जगह आज दुरुस्त है क्योंकि जिस पार्टी में बंदा रहता है उस पार्टी की बात किसी भी प्रकार की कोई बात हो जाए लेकिन वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार है, तो मैं संगीता जी का बहुत बढ़िया है, उनका वो जानती भी है और समझती भी है इस वक्त कि इस वक्त क्या लोग चाह रहे हैं, क्या जनता चाह रही है। क्योंकि अगर दिल्ली जैसी बात हम करते हैं कि दिल्ली का मॉडल हम उत्तराखंड में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, इस चीज के बारे में भी तो उनको बताना चाहिए था, इसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहिए था कि जो जो रेवेन्यू वहां से आता है, वहां के जरिए आप जो काम करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब वहां पर 200 यूनिट जब इन्होंने फ्री का कह रखा है, अगर एक यूनिट 200 से एक यूनिट ऊपर चली जाती है तो डबल चार्ज वहां लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि गोलमाल है वहां पर बिजली के फ्री देने के कारण में। और दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाएं आपने कोरोना के समय पे देखी होगी, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी उन मोहल्ला क्लिनिकों में कोई नर्स तक नहीं थी, दवाई उपलब्ध नहीं थी दिल्ली के अंदर, तो ऐसा मॉडल तो उत्तराखंड को नहीं चाहिए। उत्तराखंड को तो मॉडल चाहिए कि जो यहाँ का जो यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकता हो, जो यहाँ की जो बंद पड़ी हमारी कंपनियां है, जो नरेंद्र तिवारी जी के समय पर यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के अंदर खुली थी, जो उद्योग लगे थे, तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जो महिलाओं के ऊपर से महंगाई का बोझ आधा कर सके, ऐसी सरकार जो जनता करती है। अच्छा, ओके, यानी आप भी मान रहे हैं ये आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी की बी टीम। ओके, आप वर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, वर्मा जी कैसे हैं आप? क्योंकि संगीता जी ये नहीं बता रही ना कि कहां से सीट निकाल रही हैं, तो इसका मतलब वोट काट के बी टीम तो हुई। अच्छा, बी टीम हो गई। ओके, संजीव वर्मा जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? संजीव वर्मा जी लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा से कनेक्ट करते हैं, लगता है कि अभी नेटवर्क में नहीं है, कोशिश करते हैं दोबारा जुड़ने की। लेकिन संगीता मैडम, जिन मुद्दों के आधार पर भागीरथ सर, जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने और जितवाने की बात की जा रही थी, ऐसी स्थिति में जो मुकाबले दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर जब मैं बात करूं
जिन सीटों पर फाइट दिखाई दे रही है सीधे तौर पर, वो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर हमें समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई देंगे? हर सीट उत्तराखंड में वीआईपी सीट है, चाहे वो लालकुआ हो, खटीमा हो, कोटद्वार हो, कई दिलचस्प सीटें और दिलचस्प मुकाबले हैं। नरेंद्रनगर की सीट जहां प्रत्याशी इधर से उधर हो गए, टिहरी की सीट जहां प्रत्याशी इधर से उधर हो गए, तो ये कमलेश मैडम क्या वाकई में इन मुद्दों के आधार पर जनता सोचती नहीं है कि भाई ये देखिए कल को ये बीजेपी पे थे, ये कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए? क्या जनता वाकई सोचती नहीं है? ना नीति ना सिद्धांत, आपको बस वोट लेना है तो आप बीजेपी में चले जाइए, आप कांग्रेस में चले जाइए। बिल्कुल, देखिए जनता के ऊपर तो ये आघात तो लगता ही है जब हम दल बदल करते हैं या दूसरी पार्टी में जाते हैं, अचानक एक हम किसी पार्टी में एस्टैब्लिश होते हैं, बरसों बरसों तक काम करते हैं और अचानक हम किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो जो हमारे संगी साथी होते हैं उनको आघात तो पहुंचता ही है। और इसमें वोट परसेंटेज का भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति तो किसी व्यक्ति के साथ दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, जिसकी जो इच्छा होती है वो करता है। पर कहीं ना कहीं देखिए ये कि राजनीति में रह करके हम अपने उस जनमानस के साथ धोखा करते हैं जो हमें वोट देने का काम करता है। जब एक व्यक्ति लाइन में लग करके घंटे दो घंटे लाइन में लग करके वोट करता है किसी व्यक्ति को, तो वो बड़ी ईमानदारी से वोट करता है, वो ये सोच के वोट करता है कि पूरे 5 साल इस क्षेत्र का ये विकास करेंगे। उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में नेता उतने ईमानदार हैं जी। मैं तिलक भाई इसी पे मैं आ रही हूँ कि जब वो व्यक्ति खड़ा होकर के लाइन में दो दो घंटे वोटिंग करता है तो वो ये सोचता है कि वो व्यक्ति हमारी सेवा करेगा और जनमानस के विकास के काम करेगा। लेकिन जब व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं दल बदल करता है, दूसरी पार्टी में जाता है या इफेक्ट करता है अपने साथी के साथ में, तो वो चीजें बड़े कुठाराघात करती है जनमानस के ऊपर। और जनमानस इस वक्त पढ़ा लिखा समाज है और बहुत ही शिक्षित है और समझदार भी है, वो जानता भी है कि मुझे इस बार क्या करना है क्या नहीं करना है। दल बदल का जो ये सिस्टम चला है ये बहुत ही गलत है और ये उत्तराखंड की। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की सियासत को बहुत, और वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं, उत्तराखंडियत बहुत अच्छी बात है, कम से कम उत्तराखंडियत की बात तो करिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब उत्तराखंडियत को लेकर आप सामने आते हैं, आप कहते हैं कि मेरी सरकार का कत्ल किया और खंजर जिनके हाथ में था आपने उनको माफ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो ये क्या उत्तराखंडियत का अपमान नहीं था? तब उत्तराखंडियत का कत्ल करने वाले आपके साथ आकर आप उन्हें माफ कर देते हैं, आपका क्या हक बनता है उनको माफ करने का? वो तो उत्तराखंडियत का कत्ल किया ना उन्होंने, वो तो उत्तराखंडियत का कत्ल करने वाले थे आप लोगों के मुताबिक, तो फिर आपने उनको माफ कर दिया और अपनी गोद में बिठा लिया, क्यों? देखिए तिलक भाई, माफी का या ना माफी का तो कोई ऐसा सवाल नहीं होता, लेकिन जनता इस चीज को जानती है और जनता चुनाव में इस चीज को भली भांति अपना इस्तेमाल करती है, अपने वोट का इस्तेमाल करती है। वो ये देखती है कि जिस व्यक्ति ने क्या किया है, अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो उसकी वोटिंग नहीं करती है। जनता बड़ी सोच समझ के वोटिंग करती है इस वक्त। और रही बात कतलधारियों को पार्टी में शामिल करने का, उनका स्वागत करने का, तो आप जान सकते हैं कि क्या स्थिति रही थी उस वक्त, लास्ट टाइम उस वक्त उनको लेने में भी और आने में भी। मैडम, स्थिति में ऐसी स्थितियां पैदा की जाती हैं, 8x8 के कमरे में जिनको आप ज्वाइन करवा रहे थे, 8x8 के कमरे में जिनको आप ज्वाइनिंग करवा रहे थे, उन्हीं के ऊपर इल्जाम थे कि इन्होंने ही सरकार को गिराया, सरकार को बदनाम किया और सरकार को अस्थिर किया। आपने कहा था ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इसलिए उत्तराखंडियत, जब उत्तराखंडियत की बात आई तो आपने उनको माफ कर दिया, इसलिए कह रहा हूं मैडम ये नारों में अच्छा लगता है। एक मिनट, संजीव वर्मा जी और अरुण शर्मा जी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव वर्मा जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया है सर। सर अभी कमेंट आया आपको लाइव में देखकर लगता है कि आपके किसी साथी ने कमेंट किया होगा, मतलब कि कमलेश मैडम की टीम वालों ने, ये कह रहे हैं कि संजीव जी से बुलवाइए आपकी बार 60 पार। हाँ, आपकी बार 60 पार बिल्कुल, आपकी बार 60 पार, आपकी मैडम आपकी बार 60 पार बिल्कुल निश्चित तौर पे। विकास किया है, विकास करेंगे, जो विकास की गंगा बहाई है उसको अनवरत आगे भी लेके जाएंगे, अगले बार भी, अगली अगला कमेंट वो कह रहे हैं हाँ आपकी बार 60 पार कांग्रेस या बीजेपी, किसके? कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी आपकी बार 60 पार और कांग्रेस, आप कांग्रेस की जहां तक बात है, आप लोग 11 में सिमटे थे ना,
मैं सोचता हूँ शायद दहाई का आंकड़ा छू लेंगे तो आपको अपनी पीठ थपथपानी पड़ेगी। लगता है सर को विपक्ष नहीं चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर अपने आप। अरे 70-70 कहिए था, कहनी चाहिए थी संजीव जी आपको, तो आप कहते 70-70 आएगी, बात ही खत्म थी। जनता के हाथ में 70-70 आप ले जाते। कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी, सीधा 70 पे नॉमिनेशन करते थे आप तो। कमलेश जी, कमलेश जी, देखिए भैया, भैया कोतवाल डर का आएगा आपके, तो केंद्र के इतने बड़े बाबा जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं छड़ी घुमा करके। तो 70 पे आपने नॉमिनेट करवा देना था सबको, चुनाव काहे करवाया। कमलेश जी, कमलेश जी देखिए, ये जनता के हाथ में है। जनता हमको 70 में भी आशीर्वाद देना चाहे तो 70 में भी हो सकता है, उसमें कौन सी वाली बात है ना। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे काम किया है, और हम अपने काम के बल पे, अपने विकास के बल पे जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता का हमको भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। लंबी हेलो आवाज आ रही है तिलक जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं रोक नहीं रहा आपको तिलक जी। देखिए पूरे उत्तराखंड भर में लंबी लंबी जो कतारें, उनमें जो मतदाता खड़े हैं लगातार बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उनका जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और उससे प्रतीत हो रहा है कि एक इस बार उन्हें हम लोग सत्ता में वापसी कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ। अच्छा, जो हमारा लंबी लंबी कतारें आपको डरा रही हैं कि नहीं वर्मा जी? सर ये हमको डरा नहीं रही हैं, बल्कि हमारा उत्साह वर्धन कर रही हैं, हमारा और अधिक उत्साह वर्धन कर रही हैं। और जिस तरह से हमारी कमलेश बहन बड़ी मुस्कुरा रही हैं, और जिनकी पार्टी ये बोल रही थी कि 40% अधिकार बहनों का है ना, और मिले कितने 70 में से 4 उसमें भी एक हड़प गए हरीश रावत जी है ना, 70 में से 3 5% से भी कम, ठीक है। और दूसरा, आपके पार्टी वाले क्या बोल रहे, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। अरे कब तक नफरत ही नफरत, हर जगह नफरत। नफरत छोड़िए, प्यार प्रेम की बात करिए। क्यों लड़ना ही हर चीज का हल है क्या? लड़ना ही हर चीज का हल है क्या? हाँ कमलेश जी अच्छा एक बात बताइए जिस रोज आपका टिकट कटा था इतने लंबे लंबे डिस्कस आप आ रही थी, और हरीश रावत जी को भली भली बातों से अलंकृत कर रही थी कि मैं डिजर्व करती थी और मेरा टिकट काट दिया। आप, हम भी मानते हैं कि आप डिजर्व करती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ हमारी कमलेश बहन का जो संघर्ष है, उसको मैं बहुत समय से देख रहा हूँ। कमलेश जी हमारी पार्टी ने तो किया, लेकिन हमारे आपकी पार्टी ने आपको इस लायक समझा नहीं। आप बताइए ना, आप बताइए। देखिए हमारी पार्टी ना कांग्रेस की व्यक्तिगत नहीं, देखिए हर कोई आके कमलेश मैडम देखिए हर किसी की यही पीड़ा है कि आपको टिकट नहीं मिला। हमारे पत्रकार भाई कह रहे थे कमलेश दीदी ने टिकट मिलना चाहिए, बीजेपी वाले कह रहे टिकट मिलना चाहिए, मैं बोल रहा था टिकट मिलना चाहिए है, सब यही कह रहे कि टिकट मिलना चाहिए कमलेश बहन को। मतलब एक मुहिम छिड़ी है, लेकिन कांग्रेस में नहीं मानते कि कमलेश जी को टिकट दे दो। लेकिन अरुण शर्मा जी, तिलक जी मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने अपनी कमलेश बहन को बहुत, मैं पिछले 10-15 सालों से आपको जानता हूँ, और मैंने आपके संघर्षों को देखा है
है ना, इस करके बोलता हूँ, आप डिजर्विंग थी, आपको मिलना चाहिए था। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा में होती तो मिल जाते है ना। यो वर्मा जी देखिए हम तो मातृशक्ति का पूरा सम्मान करते हैं सर, लैंस डाउन में बहुत सम्मान किया मैंने देख लिया, एक मिनट, हम मातृशक्ति का पूरा सम्मान करते हैं सर। ओके ओके, अरुण शर्मा सर मैं एक बात जानना चाह रहा था, चलिए ये तो आज लोकतंत्र की प्यार का दिन भी है, मोहब्बत का दिन भी है, और जनता वोट के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रही है, लेकिन जो लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, वर्मा जी कह रहे हैं समझ लो भैया हम ही जीत रहे हैं, कमलेश मैडम कह रही है कि जनता बता रही है कि वोट की चोट कहां लग रही है, इसके मायने क्या है? बदलाव देखिए भीड़ तो है, क्योंकि मैं भी सुबह जब अपना वोट डालने गया था तो मेरे यहाँ जिस बूथ पे मेरा वोट था वहां ईवीएम खराब थी जी। तो ईवीएम खराब होने की वजह से लगभग सवा घंटा खराब हुआ, और उस सवा घंटे में वहां लोग इकट्ठे थे, भीड़ थी, अगर वो ईवीएम ठीक होता तो शायद वो भीड़ खत्म हो जाती। लेकिन मैं भी तमाम जगहों पे घुमा हूँ, डोईवाला विधानसभा में, रायपुर विधानसभा में, ऋषिकेश विधानसभा में जी, राजपुर विधानसभा में, और मैंने देखा है कि एक उत्साह है लोगों के अंदर मतदान को लेकर, और पुरुष भी है उसमें, महिलाएं भी हैं, और खासकर जो पहली बार मतदाता बने हैं वो बड़ी तादाद में निकल के घरों से बाहर आए हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन लेकिन ये अंदाज लगाना अभी से बहुत कठिन है कि ये भीड़ किसके पक्ष में। आमतौर पर भीड़ जो रहती है ये जो पोलिंग परसेंटेज 60% से ज्यादा जाएगा जी। तो आप आंकलन लगा लिए कि ये सत्ता के खिलाफ भीड़ होगी। लेकिन अभी क्योंकि अभी पोलिंग परसेंटेज की बात बहुत दूर है, शाम 6 बजे के बाद पता लगेगा, तो उसके बाद ही हम आंकलन लगा सकते हैं कि ये भीड़ किसके पक्ष में थी। आमतौर पे सत्ता विरोधी रुझान होता है और वो पूरे पूरे देश में होता है, लेकिन अगर हम देखें केंद्र सरकार की तरफ तो 14 में जो सरकार के खिलाफ मतदान हुआ वो 19 में नहीं हुआ, आपको ये भी ध्यान रखना। दूसरी चीज, उत्तराखंड की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। मैं हमेशा से कहता हूं कि उत्तराखंड का जो मतदाता है वो कभी भी क्षेत्रीय सोच को देखकर वोट नहीं देता, राष्ट्रीय सोच को देख के वोट देता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर कसौटी पे परख के वोट देता है। तो एक और महत्वपूर्ण बात कि वर्मा जी बड़े आसान्वित है 60 सीट के लिए, तो वर्मा जी जरा मुझे ये भी बता दीजिए, मैं क्योंकि मैं केवल भाई के साथ पत्रकार भी हूं, और मुझे ये बता दीजिए कि 2022 में ज्यादा अच्छी कंडीशन है भाजपा की या 2002 में थी जब ताजा ताजा राज्य बना था। लेकिन 2002 में भी आप 19 सीटों पे सिमट गए थे और उसके बाद फिर वही परिस्थिति है, क्योंकि ये पहाड़ी राज्यों की एक स्पेशल फीचर होता है पहाड़ी राज्यों का कि जहां 5 साल में सरकार बदलती है। आप हिमाचल देख लीजिए, आप उत्तर पूर्व में देख लीजिए, आप उत्तराखंड देख लीजिए, ये आमतौर पे होता है। और कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी बहुत बहुत अहम मुद्दे इस चुनाव में रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए मतदाता अंतिम समय तक खामोश था, केवल पार्टी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के पक्ष में सवाल उठाया। वर्मा जी जवाब देंगे, लेकिन अरुण सर मुझे एक बात बताइए कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन 2017 के बाद से गंगा में बहुत पानी बह गया है। 2017 का चुनाव देखिए या 2012 का चुनाव देखिए, वोटर इतना साइलेंट नहीं होता था, इस बार वोटर साइलेंट है। पिछली बार 2017 में जब हमने देखा था, 2017 में तो एक तरफा था, तो वर्मा जी सीना ठोक कर कहते थे कि भैया 40 से 50 पक्का लिख लो, इनको भी उम्मीद नहीं थी कि 57 सीटें आ जाएंगी। और ना जो हम लोग सर्वे करने वाले जो राजनीतिक पंडित कहते हैं खुद को, हमें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिक्चर क्लियर थी कि भैया जनता चाह क्या रही है, लेकिन इस बार जनता साइलेंट है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं देखिए, 2000 अगर आप बात करें 2016 की घटना को याद कर लीजिए, पहले मार्च महीने की जी, 2016 में जब 10 कांग्रेसी विधायक टूट के भाजपा में गए थे तो उससे पूरा का पूरा एक माहौल बन गया था, और उसके बाद उन भाजपा विधायकों के साथ जो उन कांग्रेसी विधायकों जो कांग्रेसी बागी गए थे उनके साथ जब भाजपा ने कैंपेन चलाया तो उन्होंने पूरा रुख पलट कर रख दिया था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। वैसा फैक्टर इस बार नहीं था, इस बार जो इधर उधर गया है वो गिने चुने लोग गए, इक्के दुक्के लोग गए हैं, बड़ी तादाद में नहीं इधर उधर कोई हुआ है। दूसरी चीज मैं फिर कह रहा हूं आपको
कि मैं जब पिछली बार 17 में एक चैनल का हेड था और मैंने सर्वे कराया था तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था उस टाइम पर कि 55 के आसपास सीटें भाजपा की आ रही हैं, जिसे कोई नकार कोई स्वीकारने को तैयार नहीं था। और यहां तक कि हरीश रावत कैंपेन की जो हरीश रावत एंड कंपनी की तरफ से तो मुझे ये कहा गया था कि इन्होंने पैसे लाके खाकर ये सर्वे किया है, और लेकिन बाद में वो सही निकला सर्वे। अगर आप उसको देखें, हमने लगभग 55 सीटें कही थी तो 57 सीट भाजपा की आ गई थी। तो ये देखिए, कई बार आपके सर्वे बहुत मतलब नजदीकी होते हैं, कई बार नहीं निकलते हैं, कि हम देखते हैं, लगातार देख रहे हैं अलग अलग चैनल में, पत्र पत्रिकाओं के, उन चैनलों के भी रिजल्ट अलग अलग निकलते हैं। लेकिन अगर आप इस बार देखें तो बहुत खामोशी है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। संजीव वर्मा जी, फिर संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ, ये संकेत क्या दे रही है वर्मा जी, खामोशी जो बात अरुण सर कह रहे हैं? तिलक जी देखिए, ये खामोशी संकेत दे रही है अंडर करंट का, और मोदी बिल्कुल सर अंडर करंट, और मोदी धामी सरकार के प्रति जो जनता का जबरदस्त रुझान है वो वोटों में तब्दील होने जा रहा है। जो जनता का उत्साह लंबी लंबी लाइनों के रूप में जो अभी मतदान होना है, और भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में जो मतदान होना है, दोबारा से हम लोग सत्ता वापसी कर रहे हैं, और निश्चित ही 10 तारीख को मैं आपको आप ही के चैनल पे बैठकर मैं ये आज की बात की पुनरावृत्ति करूंगा कि और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखिए विकास किया आपने, लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दिया आप लोगों के मुताबिक, तो फिर ये वोटर इतना साइलेंट क्यों है? 2017 में तो था ही नहीं, पकड़ पकड़ के रोजगार पकड़ के बेरोजगार किया, घर से खींच खींच के रोजगार दिया। परमा जी, अच्छा वो 872,503 बेरोजगारों का नाम नहीं लिया मैंने, वर्मा जी क्या हुआ? साइलेंट हो गए। अच्छा ये भी साइलेंट वोटर है, ये भी साइलेंट वर्मा जी निशब्द हो गए, निशब्द नहीं नहीं वर्मा जी, अरे अंकल आ गए, एक मिनट तिलक जी, मैं ये कह रहा था हर चीज का हास परिहास नहीं करना चाहिए। देखिए जो जबरदस्त डेवलपमेंट उत्तराखंड में विगत 5 वर्ष में हुआ है, जो मोदी धामी सरकार के द्वारा जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, और मैं सोचता हूँ विगत 20-21 सालों में उतना डेवलपमेंट शायद ही नहीं हुआ होगा। और जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए की जो हमारी केंद्र पोषित परियोजनाएं उत्तराखंड को मिली, अपनी 5 योजनाएं गिनवाइए ना जो आपने। धामी जी तो 6 महीने के मुख्यमंत्री है, एक मिनट दिखा रहा हूँ ना मैं आपको गिनवा रहा हूँ। और इधर रोड चले जाइए आप, स्मार्ट सिटी प्रयाग रेल परियोजना, नहीं 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 मोदी जी के नहीं कह रहे, वो कह रहे केंद्र के नहीं, धामी जी के बताइए, धामी जी के, या फिर कह रहे श्रीमान जी, श्रीमान जी राज्य की भी बता रहा हूँ, श्रीमान जी राज्य की भी बता रहा हूँ मैं। होम स्टे जो हमारी योजना है, जिससे हमने हजारों युवाओं को रोजगार दिया, हमने स्वरोजगार के माध्यम से सोलर एनर्जी के जो बड़े बड़े राज्य सरकार की उपलब्धि पूछ रहे हैं सर, तो सर मैं राज्य सरकार की उपलब्धि बता रहा हूँ सर, सरकारी नौकरियों में कितनी वैकेंसी निकाली संजीव जी, इसका भी तो जवाब दीजिए। 24,000 हमारे डिपार्टमेंट 24,000 24,000 हमने सरकारी नौकरी दी है, 24,000 हमने सरकारी नौकरी देने का हमने काम किया है। वर्मा जी बिल्कुल दूंगा सर, सर 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 विभाग का दिन है, सर विभाग मतदान विभाग के अनुसार अनुसार नंबर अनुसार नाम अनुसार बिल्कुल दूंगा, तब से मांग रहा हूँ सर, मुख्यमंत्री जी से भी मांग रही मैंने। आप आधा घंटे बाद दोबारा डिबेट रखिए, मैं पूरा का पूरा आंकड़े सहित पूरा एक एक विभाग का बताऊंगा सर। नहीं नहीं एक 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 विभाग कमलेश जी, तिलक जी एक 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 विभाग का मैं आपको आंकड़ा दूंगा, मैं करते
कपोल कल्पित बातें नहीं करते, हम धरातल पे काम कर रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं, हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार है और जनता देख रही है, जनता देख रही है। इतना विकास विकास की बात हो रही है, कितना बोरिंग लग रहा है ना। आप देखिए वर्मा जी कितने क्रोधित हो जाएंगे। फिर संगीता मैडम आ रहा हूँ, आपके लिए भी एक कमेंट आया, लेकिन वर्मा जी ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला है मुद्दा, देखिए कैसे आप हॉट हो जाएंगे एकदम से, ये कुछ इफेक्ट डालेगा चुनाव में? तिलक जी आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विकास की योजनाओं पर जो हमने विकास किया, धरातल में विकास किया, हम उसके आधार पर जनता के बीच जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक जो जबरदस्त तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दे को उछाला गया और जुम्मे की नमाज का ये जो मुद्दा उठाया गया, आप लोग सीधे तौर पर क्योंकि विकास आप लोगों ने किया नहीं, के लिए आप कुछ बोल सकते नहीं, विकास का आपके पास कोई रोड मैप है नहीं, तो इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति पे आ गए, और तुष्टिकरण की राजनीति का आपको जनता सबक सिखाने वाली है, जनता आप लोगों को सबक सिखाने वाली है। तिलक जी कमलेश जी जो बार बार स्मार्ट सिटी का जिक्र कर रही है, आप लोग जो बार बार स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ना, स्मार्ट सिटी 2024 में जब अपना जब पूरी तरह से कंप्लीट होगी, जो भव्य रूप स्मार्ट सिटी का देखने को मिलेगा, चमचमाती सड़कें। अरे आप कमलेश जी, कांग्रेस तो विकास देखना ही नहीं चाहती ना, उनको अच्छा ही नहीं लगता विकास, आप लोगों ने विकास कभी किया ही नहीं ना, आपको विकास देखने की आदत नहीं है, आदत ही नहीं है आप लोगों को विकास देखने की, आपको विकास भाता ही नहीं है, विकास के शत्रु हैं आप लोग। और जहां तक अभी आप उत्तराखंडिया तो उत्तराखंडिया चिल्ला रहे थे ना, विकास हुआ है आपका, मैं बताना चाहती हूँ आपका विकास हुआ, अंधे हो क्या, आंखें नहीं है, दृष्टि दोष है क्या, दृष्टि दोष है आपको, ये फ्लाईओवर्स दिखाई नहीं देते, ये टनल्स दिखाई नहीं देती, ये नेशनल हाईवेज दिखाई नहीं देते, एक्सप्रेस हाईवेज दिखाई नहीं देते, ये जो नए नए हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये जो अभी हॉस्पिटल्स में 87 ऑक्सीजन प्लांट सामने लगाए हैं, वो आप लोगों को दिखाई नहीं देते, जो अस्पतालों के अंदर हमने नए नए वेंटिलेटर्स लगाए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं, दिखाई नहीं देते। अरे मत करिए, कोरोना काल में हमारा कार्यकर्ता सड़कों पर था, सेवा कर रहा था, कोरोना संक्रमितों की सेवा कर रहा था, आप लोग आइसोलेशन में थे, आप लोग घरों में सो रहे थे उस समय आप लोग घर में सो रहे थे। कांग्रेस सो रही थी उस समय घरों पर, आप लोग सो रहे थे, आप लोग आइसोलेशन में थे, आप लोगों ने उस समय कुछ काम किया होता, तो जनता भी आपको स्वीकारती, आज जनता आपको पूरी तरह से नकार रही है। संजीव वर्मा, अच्छा लगता है, इतना बड़ा दिन है, सबका मैं म्यूट करूं, अच्छा लगेगा, प्लीज संजीव वर्मा जी, गुस्सा नहीं, इतना आज मोहब्बत का दिन भी है, आराम से सर, आज लोकतंत्र में प्यार का इजहार भी करिए, वोट के जरिए। तिलक जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तिलक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा प्यार प्रेम की बात करती है, नफरत की बात तो कांग्रेस करती है, जो जो महिलाओं को बोलती है कि लड़की नहीं लड़ सकती, अरे जब भी बात करते हैं लड़ने की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, कभी कभार प्रेम प्यार प्रेम की भी बात क्या करो, है ना। देखिए संगीता मैडम को लेकर एक मैसेज आया अभी,
मैं वैसे नहीं। संगीता मैडम, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है पक्का? जी बिल्कुल पक्का। आपके किसी बार जो आपके सहयोगी ने किसी ने मैसेज डाला, कह रहे संगीता मैडम से पूछे किसको वोट किया? संगीता मैडम ने तो जिसको वोट करना था फिर किया है, उसी को ही वोट करेंगी। संगीता मैडम ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों, आपको क्यों वोट करेंगे संगीता मैडम? संजीव जी बताओ, संजीव भाई इसका मतलब आपने झाड़ू लगाया होगा क्या? तिलक जी अपना वोट खराब थोड़ी करेंगे झाड़ू को देख के। अच्छा संगीता मैडम तो आप कहाँ की है, संगीता मैडम ने तो वसूल लिया, झाड़ू की सरकार बनने वाली है इस बार, झाड़ू की सरकार बनने वाली है। अच्छा मुद्दे पे बताते पूछो, आप क्या वेंटिलेटर की बातें करते हैं, फिर आप ये भी नहीं बताते कि कहाँ कहाँ वेंटिलेटर लगाए हैं। मेरी अपने विधानसभा में तो संगीता जी 1.5 करोड़ सारे मुद्दे जनता के बीच में उठाए ना आपने, सारे मुद्दे जनता के बीच में उठाए, जैसे कि आरोप कमलेश जी लगा रही हैं, और आप ही के नेता जो छोड़ के गए पार्टी को, उन्होंने बताया कि पैसे लेकर डील हुई, डमी कैंडिडेट्स उतारे, और डमी कैंडिडेट्स इसलिए उतारे ताकि कांग्रेस को डैमेज किया जा सके और बीजेपी को फायदा मिले, आप ही के नेता बोल रहे थे बकायदा। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि अगर मगर किंतु परंतु वाली स्थिति आ गई, जैसे कि आपके एक पार्टी के बड़े नेता बोल रहे थे कि हम जो है किंग नहीं तो किंग मेकर बनने जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? और उत्तराखंड का इतिहास बताता है कि कई बार किंग मेकर की भूमिका आई, जैसे कि उत्तराखंड क्रांति दल एक बार किंग मेकर की भूमिका में आए और सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए, पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। अगर वो स्थिति आप लोगों के सामने आई फिर क्या करेंगे आप? देखिए ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि क्या स्थिति होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी भविष्य की पार्टी है, डूबता हुआ जहाज नहीं है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और जनता के लिए, जनता के मुद्दों की बात कर रही है, तो वो एक भविष्य की राजनीति कर रही है। तो आम आदमी पार्टी डूबता हुआ नहीं है, जिस तरह से उन्होंने हरिद्वार के बॉर्डर को क्रॉस करते नहीं है, कभी हरिद्वार को छोड़ के आगे बढ़ते नहीं है, फिर आप पहाड़ की पीड़ा की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया जी बहुत से पहाड़ी इलाकों में गए और उन्होंने वहां डोर टू डोर कैंपेन खुद से किया है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे नेता पहाड़ों में नहीं गए। और देखिए जिसको हमने यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है कर्नल कोठियाल जी, उनसे सब परिचित भी है और वो उत्तराखंड से भी भली भांति परिचित है। जिस तरह से उन्होंने बॉर्डर पे रह करके देश की सेवा की है, उसी तरह से वो उत्तराखंड में भी उत्तराखंड की सेवा करेंगे और यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनको बखूबी मुहैया कराएंगे, जनता के बीच तक पहुंचाएंगे। अरुण जी ने बहुत बड़ी बात कही, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि मुद्दों के आधार पर अगर चुनाव हो तो फिर वो राष्ट्रवाद वाला जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हावी दिखाई देता है, और राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर हावी दिखाई देते हैं। लेकिन अरुण सर, मैंने भागीरथ जी से भी पूछा था अभी और मनोज इस्तवाल जी से भी कि इस बार का जो चुनाव है वो सीधे तौर पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये मुद्दे वाकई जनता के जहन में होंगे जब वो वोट डालने जाएंगे? और मैंने खासतौर पर जो बूथ मैनेजमेंट है, खासतौर पर जो बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट माना जाता है कि पन्ना प्रमुख बना के चुनाव लड़ लो, और ये सब चीजें कि भैया आप जब वोट डालने जा रहे हैं तब आपको अंतिम दौर तक कि भैया इसके जहन से कहीं बीजेपी छूट ना जाए, बीजेपी को भूल ना जाए, वहां से बूथ से शुरू होता है भैया किसको, बीजेपी को दबाना, बीजेपी को दबाना, और ये हाथ पकड़ कर लेकर जाते कि भैया बूथ से जो है कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं देखना, आपको कमल देखना है। तो ये वाला जो फैक्टर है क्या इस बार दिखाई दे रहा आपको? बिल्कुल, देखिए मैं खुद ही कह रहा था कि मैं सिर्फ सुबह आज मतदान करने गया तो मेरे वार्ड का जो मेरे मतलब जो पन्ना प्रमुख था, मुझे अंतिम मतलब मतदान केंद्र के बाहर जब लाइनों में हम लोग एक घंटे से ज्यादा खड़े रहे तो वो कई बार आया पूछने लोगों को, और बार बार ये बोलता रहा कि आपको चुनाव चिन्ह याद है ना, किस पे बटन में दबाना है। और दूसरी चीज मेरा ये मानना है, और मेरे ख्याल से आप भी इस बात से सहमत होंगे सभी लोग, कि भाजपा में संगठन एक सुनियोजित तरीके से तैयार किया जाता है जी, मतलब बूथ बहुत स्ट्रांग तरीके से तैयार होता है, और बूथ में भी पन्ना प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो काम कांग्रेस में सालों से बंद हो गया है। और पिछले एक साल से हम कुछ विधानसभाओं में देखने को मिला है जहां बूथ कमेटियां बनाई गई है,
लेकिन वो बूथ कमेटियां कैसी हैं वो शायद कमलेश रमन जी ज्यादा अच्छी तरह जानती होंगी कि कांग्रेस में किस परिपाटी में बूथ बनाए जाते हैं और कमेटियां बनाई जाती हैं। तो कुछ समय से कांग्रेस ने ये काम तेजी से शुरू किया था, लगभग एक साल से सुनने को आ रहा था, उससे पहले ये सुनने को नहीं मिला। ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कमलेश जी, ये तो आप भी मानेंगे कि अगर आपके यहाँ झगड़े ना हो, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, अगर कांग्रेस में आपसी झगड़े ना हो, एक दूसरे को पटकनी देने की होड़ ना हो, तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। और इसी कारण है कि कांग्रेस बीजेपी से लगातार पिछड़ती रही है, क्योंकि वहां एक दूसरे की टांग खींचने से ही फुर्सत नहीं मिलती, और इसी टांग खिंचाई में एंड टाइम पे चुनाव आ जाते हैं, तो चुनाव आएंगे तो कोई क्या करेगा, वो तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए आज इनके कई बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव हारने के कगार पर है। ये अपडेट आया मेरे पास, संजीव वर्मा जी थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा जी। उत्तराखंड में 1 बजे तक 36% मतदान हो चुका है, 36%, और माना जाता है मैदानी इलाके में 3 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलकर वोट डालेंगे, तो फिर ये वोट प्रतिशत जो है अच्छा खासा जाएगा। ये थोड़ा सा झटके वाली खबर है आपके लिए, और सर झटके वाली खबर नहीं, ये अच्छी खबर है हमारे लिए। अच्छी ना ना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है, लोकतंत्र के लिए। और मैं देख रहा था कि जो है विधानसभा अनुसार मेरे पास बद्रीनाथ से आया है, बद्रीनाथ से 1 बजे तक जो है 40% वोटिंग हो चुकी है, और थराली में 32%, कर्णप्रयाग में लगभग 37% मतदान हुआ है। लेकिन कमलेश मैडम, अब मैं ये वोट प्रतिशत की पूरी कहानी समझूंगा, अरुण सर से मुझे एक बात बताइए, अभी देखिए कमेंट देखिए, जैसे संगीता जी को लेकर आया आपको लेकर भी आया, बोल रहे कि कमलेश मैडम बोल रही सरकार हमारी बनेगी, हमारी बनेगी, हमारी बनेगी, कह रहे हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। देखिए ये तो मुझसे पूछ रहे हैं कि अरुण भाई से पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे ही पूछेंगे मैडम, वो कांग्रेसी नहीं है, वो पत्रकार है हमारी तरह, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, और दिलचस्पी संजीव वर्मा की सबसे ज्यादा है। देखिए ये तो हमारा जो विधायक दल, जो पूरा जब विधायक आएंगे और विधायक इस चीज को तय करेंगे, और हमारा पार्टी हाईकमान तय करेगा। आपके यहाँ विधायक चुनते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपके यहाँ विधायक चुनते हैं क्या, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए मैंने क्या कहा कि विधायकों की पसंद और नापसंद भी तो मायने रखती है, जब वो जीत करके आते हैं कि हाँ। 2012 में थी क्या, 2012 में कभी थी क्या? कभी नहीं, ये दोनों पार्टियों की विडंबना है। 2002 में थी क्या? को तय करेगा जब 10 मार्च को रिजल्ट मिलेगा, और कांग्रेस के विधायक आएंगे, वो अपनी नेता से मिलेंगे, अपने सिर्फ नेतृत्व से मिलेंगे, और वो वहां पर सारा चीज तय होगी। देखिए अगर इस तरीके की तय करने की बात होती तो हरीश रावत जी से बड़ा चेहरा यहाँ कोई नहीं है, प्रीतम सिंह जी से बड़ा चेहरा यहाँ कोई नहीं है, तो प्रीतम सिंह जी भी सर्वमान्य है पूरे उत्तराखंड के लिए, और हरीश रावत जी भी है, तो ये सारी चीजें तय होंगी उस वक्त जब हमारे विधायक। आप सर्वमान्य नेता बता रहे हैं, वो अपनी सीट नहीं बचा पाते, जिन्हें आप सर्वमान्य नेता बता रहे हैं वो अपनी सीट बचा नहीं लेते, तो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो चुनाव में बंटाधार हो जाता है। आप छोड़िए उस बात को, मैं उस पर नहीं आना चाह रहा, लेकिन ये बताइए कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बात को सीधा सीधा क्यों नहीं कहते आप? देखिए जो जनता का रूप होता है, जब विधायक हमारे जीत के आते हैं उसी में तो तय होगा हमारा मुख्यमंत्री। कोई मुख्यमंत्री ये तो है नहीं कि ऊपर से थोप दिया जाएगा कि दिल्ली से कोई आ जाएगा और वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अच्छा, तो 2012 में क्या हुआ था? 2012 में दिल्ली से आए थे माननीय हरीश रावत जी, हमारे बड़ा चेहरा है। 2012 में भी तो दिल्ली से आए थे मैडम, 2002 में भी दिल्ली से आए थे। उत्तराखंड से पहले से शुरू से नाता था, उत्तराखंड में रहा, उत्तराखंड के लिए कितना विकास किया ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और रही भाजपा की बात, इनके तो शिवराज चौहान जी कह रहे हैं सीधा सीधा कि इस समय तो भाजपा गई उत्तराखंड से, तो आप फिर इस चीज को क्या कहेंगे? और दूसरी बात, अभी संजीव भाई जी कह रहे थे कि हमने विकास, कमलेश जी आपको बोला था क्या? कमलेश जी आपको बोला था? संजीव भाई मेरा नंबर बहुत देर में आपको बोला था क्या? नहीं, आप गलत बयानी मत करिए ना, आपको कहा था क्या? आपको मैं बता दूं, कोरोना काल में एक बेड तक नहीं था लोगों के लिए, लोगों को हॉस्पिटल में नंबर लगाना पड़ रहा था, बाहर कुर्सियों पे, इसलिए आपने फोल्डिंग बेड लगाए थे, इसलिए आपने किराए के बिस्तर लेके फोल्डिंग बेड लगाए थे 10, और यहाँ तक के लिए घाट में लकड़ियां तक नहीं मिल रही थी,
कई कई हजार की लकड़ियां मिल रही थी, आप बताइए कौन सा मैनेजमेंट इन्होंने ठीक किया। दो साल कोरोना काल को हो गए हमारे, और आज भी कोरोना काल से पीड़ित लोग अपने मुआवजे के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिनके परिजन से दो दो लोग चले गए। मेरे ही पड़ोस में यहाँ करणपुर में मैं इस वक्त बैठी हूँ, यहीं पर दो घर छोड़ के परिवार में से दो लोगों की मौत हुई, भांजा और मामा एक साथ चले गए और उनको लकड़ियां तक नहीं मिली, एम्बुलेंस तक नहीं मिली, लोग उठाने तक को राजी नहीं। अरे क्या क्यों झूठ बोलती है, अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप जनता तरफ थी, जो जो कांग्रेस के लोग कमलेश जी लाशों के ऊपर राजनीति करते हुए आपको शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती आपको लाशों पे राजनीति करते हुए? मेरे कम से कम जो लोग चले गए कम से कम उन लोगों के लिए। और संदीप भाई जो कह रहे हैं कि 60 पार, संदीप भाई जो कह रहे हैं 60 पार वो कांग्रेस की बनने जा रही है, मैं धन्यवाद करती हूँ संदीप भाई का, क्योंकि उन्होंने शुभकामनाएं दी है कांग्रेस को, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, इस समय उत्तराखंड के अंदर जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, देखिए हमारा जो बड़ा मुद्दा है यहाँ मलिन बस्तियों का मुद्दा है कि मलिन बस्तियों को मालिकाने का कम मिलेगा। आपने तो तलवार लटका रखी है मलिन बस्तियों के ऊपर कि तीन साल आपने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है कि 3 साल तक इनको छेड़ा ना जाए, 3 साल के बाद क्या होगा इन मलिन बस्तियों का? आपने उनको तो मालिकाना हक नहीं दिया, कैसे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, कैसे वहाँ विकास होगा? तिलक जी मालिकाना हक देने का जो काम यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2023 तक इनको एक्सटेंशन दिया है, 2023 तक उसको एक्सटेंशन दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी मलिन बस्तियां हैं उत्तराखंड की उसमें उनको मालिकाना हक देने का हमारे जो मेन्यू दृष्टि पत्र है उसमें भी उसमें साफ लिखा है, उसमें हमने साफ लिखा है जितनी हमारी मलिन बस्तियां हैं उनको हम मालिकाना हक दिलाकर रहेंगे। हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, जिस समय आप लोगों की सरकार थी 2016 में आपने मालिकाना हक जो अध्यादेश था उसको डस्टबिन करने का आप लोगों ने काम किया। नमस्कार नमस्कार समीर अतुड़ी जी, ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या तस्वीर है ग्राउंड जीरो पर? देखिए जहां मैं पोलिंग बूथ से अभी वोट डाल के बाहर आया हूं, तो मैंने अभी अपने वोट डाली है और यहां पर जो महिलाओं का रुझान है काफी स्ट्रांग है, महिलाएं बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही हैं और लोगों के अंदर एक अलग सी जो भावनाएं शक्ल में ये भावनाएं देखने को मिल रही है कि वो एक बदलाव की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में लगता है कि जो लोग परेशान थे त्रस्त थे कई समय से कि हम कांग्रेस बीजेपी के शटल कॉक की तरह यहाँ वहां जाने में लगे थे, मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है एक नया बदलाव की तरफ सारी पब्लिक ने देखने का मन बनाया है और जो वोटिंग में आज महिलाओं की तादाद अधिक से अधिक संख्या में दिखने को मिल रही है ये समाप्त साफ इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये बदलाव की तरफ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के लिए शुभ लक्षण है। शुभ लक्षण है तो कहां कहां शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए कई सीटों में मैंने आपको आपके चैनल में आके कई बार मैंने बोला कि हम लोगों ने दावा किया है कि हम 18 के करीब सीटों में दावेदारी कर रहे हैं कि जहां हम जीत के आएंगे जो है मतलब ये स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग जीत रहे हैं उस सीटों में, लेकिन यह है कि अभी जो हमारे अंडर करंट हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बदलाव की बड़ी बड़ी इच्छा है, जिससे अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ लोगों का ध्यान रुझान बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि कई जगह हमें अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेंगे जहां पर हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी विजय होगी। अच्छा 18 सीटों पर, लेकिन संजीव वर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, नहीं उनका हक है मुस्कुराना, चेहरा है मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा भी होता है और ये तो पता नहीं कितने सालों से मुस्कुरा रहे हैं और हर बार ऐसी मुस्कुराते रहेंगे, सभी मुस्कुराएंगे, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन 10 तारीख को शायद मुस्कुराहट में थोड़ा सा शिथिलता आ जाएगी, वो भी मैं भी जानता हूँ, तो मुस्कुराने दीजिए फिलहाल, तो 4 दिन सुहाने सही। अच्छा पहाड़ पे उम्मीद है या फिर मैदानों पर? देखिए अभी तो मैं पहाड़ की सीट पे बैठा हूँ, मैं खुद देवप्रयाग विधानसभा के अंदर हूँ इस समय और मैं अपने खुद गाँव के अंदर वोट डालने आया था, तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है मुझे उससे साफ प्रतीत होता है कि लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव तो है इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा वर्मा जी अपनी बात रखें, मैं अपनी बात से आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी वाले एक्टर को समझूंगा आपसे। वर्मा जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं समीर अतुड़ी जी की बात सुन के? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए जी। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। तिलक जी मैंने कहा सपने देखने का सबको अधिकार है और
अगर कोई सपने देख के थोड़ी देर के लिए किसी को खुशी मिलती है तो ऐसे सपने भी कभी कभी देख लेने चाहिए। और जिस तरह से अभी हमारी कांग्रेस की बहन बोल रही थी, उत्तराखंडियत का बहुत जोरदार एक नारा लगा रही थी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यही उत्तराखंडियत है आपकी? और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से चाहती ही नहीं थी कि उत्तराखंड राज्य बने। इनके जो बड़े एक दिवंगत नेता उनका बड़ा बयान था कि उत्तराखंड बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा। जो आपके एक अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाले श्री हरीश रावत जी, उन्होंने कभी भी उत्तराखंड राज्य बनने के दिशा में जब भी बात आगे बढ़ने को हुई, उन्होंने हमेशा अभी पानी पी पी के आप कांग्रेस को कोस रहे थे। आम आदमी पार्टी के पीछे आपकी मोहब्बत के पीछे वजह क्या है, मैं समझना चाह रहा हूँ सर। सर हमारी कैसी मोहब्बत, कैसी बात कर दी आपने? आम आदमी पार्टी मोहब्बत दिखाई दे रही है आपकी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है सर। तिलक जी देखिए, जैसा भी मैंने कहा, हमारे भाई थोड़ी देर के लिए अपना कुछ अच्छे सपने देख के खुश होने का प्रयास कर रहे थे, तो सबको अधिकार होना चाहिए, है ना? लेकिन अगर मेरे भाई अगर जो एक या दो सीट में जमानत भी आप लोग बचा लेंगे तो मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, तो इनकी जमानत भी नहीं बचेगी? हाँ बिल्कुल, 10 तारीख को सारे परिणाम आपके सामने आने वाले मैं फिर बोल रहा हूँ राजीव भाई, संजीव भाई को बोलने का पूरा हक है, वो जैसी मर्जी बाण चला लें, कोई दिक्कत नहीं है। असली बाण जनता चला रही है आज, वो बाण किस पे लगेंगे वो साफ दिख जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जमानत जब्त की बात बोल रहे हम आपको आज स्पष्ट तौर से बोल रहे हैं, बिना आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के अंदर सरकार नहीं बनेगी। सरकार कोई भी सरकार बने उनको आम आदमी पार्टी से बात करनी पड़ेगी, बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग से सरकार नहीं बनेगी। संजीव भाई भूल जाएं कि वो अकेले अपने सरकार बना देंगे या कांग्रेस सरकार बनाएगी, बिल्कुल नहीं होने वाला है। जहां तक सपनों की बात है, ये सपने तो आप ये जो टैग लाइन आप बोल रहे हैं ये तो आपने दिल्ली में भी हमें कई बार सुना दिया कि सपने देख रहे हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया कि सपने कैसे होते हैं, हकीकत क्या होती है। हमारे शब्दों में कर्णों में शब्द में और कथनी या करने में कोई अंतर नहीं होता है। ये कांग्रेस और बीजेपी का चलन है जहाँ कथनी करनी मंत्र हो जाए, हमारी जो कथनी है वो करनी पे भी है। यही कारण है कि आज जनता जो अधिक से अधिक मात्रा में वोट डालने आ रही है, जिनके अंदर बदलाव का एक रुझान है, जिनके अंदर यह है कि वो बदलाव चाहते हैं, वो आज आम आदमी पार्टी तरफ बढ़ रहे हैं और वोट आम आदमी पार्टी पड़ेगी। और ये बात सत्य है जो संजीव जी बोल रहे हैं, 10 तारीख का दिन होगा, हम लोग खिल रहे होंगे, आप लोगों का फूल ढल रहा होगा, ये कंफर्म बात है। फूल कभी ढलता नहीं है, फूल खिलता है मेरे भाई। आप शायद भूल गई, मुरझाता भी है, मैंने मुरझाना ठीक समझा को बोलना, फूल तो मुरझाते नहीं है, हम आपको हम नहीं चाहते कि आप मुरझाने वाला सब यूज करें, इसलिए मैंने ढलने की बात बोली। कमल का अच्छा, ये आप क्या ठीक कर रहा बोर्ड पे काम? कयास कोई भी हो सकता है, आप ये जरूर बोलना चाह रहे हैं कि भाई झाड़ू एक तरफा होगा, दूसरा कमल फूल होगा, ये संभावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि जनता के जनादेश हम काम करेंगे। लेकिन सरकार मेरी पूरी बात नहीं सुन रहा, देखिए मैंने पहले भी बोला था आपको, हम भाजपा साथ सरकार नहीं बनाएंगे, हमने पहले भी कहा था, हमने सरकार भाई गलत बात है, मैंने बोला मैंने सत्ता के लिए कोई संभावना नहीं बोली, मैंने सिर्फ वोट प्रतिशत और वोट जीतने वाली सीटों की संभावना बोली, मैंने सरकार बनाने के लिए कोई संभावना नहीं बोली, मैं स्वस्थ बोल दूं आपको, मैंने सिर्फ बोली कि आप जो बोल रहे हैं कि फूल एक तो आगे होगा, एक तो हाथ होगा, सॉरी झाड़ू होगा, मैं कहूँ संभावना आप कोई भी कयास लगा लीजिए, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना कि हम आम आदमी पार्टी जो है हम भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, वो स्पष्ट है। किसके साथ? ये मैं पहले भी आपके मन से बोल चुका हूँ, नहीं अभी हमने आपको बोल दिया कि नहीं करेंगे, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, ये भी संभावना हो सकती है। संजीव वर्मा का ऑडियो उठाइए, पानी पी पी के कोस रहे हैं। जो इनके समान विचारधारा वाली पार्टी है, जो शाहीन बाग का
समर्थन करती है। अच्छा, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का समर्थन करती है, जो जुम्मे की नमाज का समर्थन करती है, ये लोग अगर ऐसी कोई स्थिति आई भी, वैसे तो दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है, ना इनकी ना उनकी, लेकिन ये समर्थन करेंगे तो ऐसे लोगों का ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ना ऐसे लोगों के समर्थन की आवश्यकता, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने की वाकई में, क्योंकि 2012 हो 2007 हो, ये ऐसे समीकरण, ऐसे मौके आए उत्तराखंड की सियासत में जहां पर बैसाखियों की जरूरत पड़ी और अलग अलग विचारधारा वालों ने समर्थन दिया, मंत्री तक बने 2012 में। ना एक सेकंड, 2007 में राजेंद्र भंडारी यशपाल बेनाम, 2012 में 7 विधायक ऐसे थे जो अलग अलग विचारधारा के थे, खुद को पीडीएफ का नाम दिया, नामकरण भी खुद किया, सरकार को समर्थन दिया, सरकार को ब्लैकमेल करने तक के आरोप लगे, और आज कुछ उसमें से बीजेपी में गए। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये क्या वाकई में कोई नई बात तो नहीं कर रहे समीर रतूड़ी जी? ये तो होता आया ना उत्तराखंड में। तिलक जी, अरुण जी का म्यूट करिए प्लीज। तिलक जी देखिए, औरों को भी जी, अरुण जी अपनी बात। तिलक जी मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। थोड़ा वर्मा जी, थोड़ा सा बेचैनी कम करें अपनी। एक ही समझने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड के चुनाव में मैदान में आई है। आज तक आम आदमी पार्टी ने छुटपुट काम किया था, जैसे देहरादून का मेयर का चुनाव लड़ा दिया रजनी रावत को, कहीं कुछ और काम कर दिया, इस तरह किया, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव में पूरी शिद्दत से उतरे हैं और 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप ये लगा लीजिए, अच्छा प्रदेश कार्यालय भाजपा से बोल रहा हूँ जी, ये बीच में प्रदेश कार्यालय आ गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार लड़ रहे हैं, और मुझे याद है कि एक साल पहले हम लोग हल्द्वानी में जब मनीष सिसोदिया पहली बार उत्तराखंड आए तो हम बैठे थे और बहुत लंबी चर्चा हमारी हुई थी, लगभग 2 घंटे की, और उसमें उन्होंने हमसे उत्तराखंड की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की थी। तो उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं के दौरे लगते रहे हैं, उन्होंने धीरे धीरे कैडर तैयार किया है, और आम आदमी पार्टी बहुत टाइम से जनसंपर्क में जुटी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा बार लोगों के घरों में जा चुकी है। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि ये पहली बार हो रहा है जी, और पहली बार में ये देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी को जितने ज्यादा वोट मिलते हैं वो कहीं से कहीं तक भाजपा का नुकसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस का निश्चित तौर पर नुकसान है, कि जहां उनको ज्यादा वोट मिलेंगे वहां कांग्रेस के उम्मीदवार की आपको जीतने की संभावना कम से कम हो जाएंगी। इत्तेफाक और किस खासकर 2 सीटें पे आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, काशीपुर और बाजपुर। अब बाकी जगह इनके उम्मीदवार कितने वोट लाते हैं, क्या करते हैं, वो तो पहली बार जब रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा। दो सीटों पर फाइट बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, दो ही है आज की तारीख में, दो ही सीधी फाइट है, दो सीटों पर। ओके संजीव वर्मा जी अपनी बात रखिए, जो बात अरुण जी कह रहे हैं, फिर उसके बाद समीर रतूड़ी आपके पास आ रहा हूं। तिलक जी देखिए, ये तो वक्त बताएगा कौन किसके वोट काटता है, कौन किसके नहीं काटता है, लेकिन जहां तक मैंने आपको बोला, हम लोग आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सीरियसली लेते ही नहीं है, और दूर से दूर तक भी इनका विधायक मैं नहीं सोचता। आपको अच्छा लगा कि अरुण जी कह रहे थे कांग्रेस के वोट काटेंगे? वर्मा जी सीरियस तो इन्हें दिल्ली में भी नहीं ले रहे थे, 3 बार सरकार बन गई तो क्या कर लेंगे उसका, सीरियस तो दिल्ली में भी नहीं ले रहे थे, सीरियस आप पंजाब में भी नहीं ले रहे, सीरियस आप गोवा में भी नहीं ले रहे, लेकिन जो रिजल्ट आएंगे वो सबके सामने आ जाएंगे। भाई साहब देखिए, दिल्ली की और उत्तराखंड की स्थितियां परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। आप ये देखिए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल दिल्ली से बिल्कुल भिन्न है, और जिस तरह से ये लोग इनकी एक कार्य प्रणाली चलती आई है दिल्ली में,
बोलना और बोल के भाग जाना हिट एंड रन वाली नहीं, लेकिन बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं वर्मा जी, बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं, ये भी तो सवाल है। और दिल्ली में 30 लाख पहाड़ी रहते हैं, ये भी सोच लीजिए सर। सर जो 30 लाख पहाड़ी रहते हैं, सर जो 30 लाख पहाड़ी रहते हैं, आप ये बताइए अभी यहाँ पे दिल्ली में जो इनके 2 चुनाव हुए विधानसभा के, कितने पहाड़ी लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को इन लोगों ने उसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया। मैं सोचता हूँ वहां पे 3 विधानसभाएं ऐसी हैं, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ उसमें हमारे को भी वहां पे जाने का मौका मिला, तो हमने देखा कि 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जो बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। लेकिन उन उन जो विधानसभाएं थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, एक विधानसभा मात्र 254 वोट से हारा है, मात्र 254 वोट, जो मनीष सिसोदिया जी वाली सीट थी, 254 वोट दिल्ली जैसी दिल्ली जैसी बड़ी जगह। वो मसला वो नहीं है, और बात अरुण जी कह रहे हैं, बात को समझिए, नहीं वो बात अरुण जी कह रहे हैं उस बात को समझिए, अरुण जी कह रहे हैं तिलक जी बात पूरी होनी चाहिए प्लीज। देखिए, और कुछ दिल्ली की सीटें ऐसी थी जो 50 वोट से लेके और 1000 वोट के अंतर में, कम से कम 20 ऐसी सीटें थी जो हम 50 वोट से 1000 वोट के बहुत ही मामूली अंतर से हारे हैं। मैं इतिहास के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो बात अरुण जी कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर यहाँ भी तो नजदीकी मुकाबला है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चार वोट से, जहाँ हजार वोट से 1500-1500 वोट से हार और जीत तय होती है, मैं उन सीटों की बात कर रहा हूँ। और उत्तराखंड में आप जानते हैं कि आधी से ज्यादा सीटें ऐसी होती है जहां पर वोट प्रतिशत कम होता है। अगर 5%, सर सवाल ले लीजिए, अगर 5% वोट भी आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में ले लेती है तिलक जी, पिछली बार का फिर किसे फायदा नुकसान। तिलक जी, पिछली बार का जो हमारा चुनाव हुआ उसमें आप देखिएगा जो मिनिमम अंतर थे 3000, 5000, 10000, 15000, 36000 तक के वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। और जैसे कि आपने बोला, देखिए स्थितियां परिस्थितियां हर समय और हर मौकों पे भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता के पार्टी के अनुकूल इस समय की परिस्थितियां हैं, क्योंकि हमारे काम पर, हमारे विकास कार्यों पर और मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जनता वोट कर रही है। और जनता के भटका रहे हैं। तिलक भाई, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आखिरकार संजीव वर्मा जी ने साफ मान लिया है कि हम लोग वोट मोदी के नाम पे मांग रहे हैं, क्योंकि इनके पास काम के नाम है ही नहीं है। यही कारण है कि जब इन्होंने कुछ काम पिछले 5 साल में नहीं किया है, तभी ये हिंदू मुसलमान मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तब ये बात करते हैं कि कैसे कैसे किस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति हो, भावनाओं की राजनीति हो, और तब ये उस बात की वोट बैंक का काम करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दे है काम के पास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी, कांग्रेस ने करी। इसका दोष आपको कांग्रेस को देना चाहिए। जुम्मे की जो बात करी कांग्रेस ने करी, हमने नहीं करी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी इन्होंने करी, हमने नहीं करी। हम बात करते हैं, हम बात करते हैं किस प्रकार से ट्वीट में आप लोगों ने गलत बात को बढ़ावा दिया, और आप लोगों ने दोनों पक्षों ने इस काम को किया है। आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए भाजपा का, आप कैसे मुकर रही है आपने ये नहीं किया है। आपको आपको थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहिए। आपकी गलत बयानी है, तुष्टिकरण की राजनीति है। कांग्रेस करती है तुष्टिकरण की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं चली हमने किसी भी जाति सबके समान हितों का हमने ध्यान किया, चाहे आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। संजीव वर्मा जी आप देखिए सबके साथ सर के पास आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ संजीव वर्मा योजनाओं में भागीदार बनाया है। जी बोलिए, आपने मुस्लिम उतारे, सवाल आया 70 में से कितने कैंडिडेट मुस्लिम उतारे आपने? देखिए ये निर्णय करना समय काल परिस्थिति के अनुरूप होता है, और जिस तरह से आप कांग्रेस की बात करते हैं, जिस तरह से आप कांग्रेस की बात करते हैं आप कांग्रेस मुसलमानों का वोट पाना चाहती है लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व सत्ता में कभी नहीं देना चाहती। अच्छा, तो उनके, उनके 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 कंधे पर बंदूक रख के चलाती है, अभी रुकिए, उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाती है कांग्रेस। जोड़ रहे हैं, अभी रुकिए मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन अरुण सर, मैं एक महत्वपूर्ण पहलू पर लगातार जिसका जिक्र आपने किया और मुझे लग रहा है कि वो पहलू छूटे ना, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, बीएसपी का जिक्र करता हूँ। भले ही बीएसपी को नकारा जा रहा हो लेकिन हरिद्वार वाली जो बेल्ट है, जो उधम सिंह नगर वाली बेल्ट है, जहां पर एक वोट परसेंट जो माना जाता है कि आंधी आए सुनामी आए वो खड़ा होता है, लेकिन 2017 में ऐसा नहीं हुआ भले ही, लेकिन बीएसपी का जो फैक्टर है उसको नजरअंदाज करना गलतफहमी तो नहीं है। दूसरी बात, जहां पर 8% के आसपास जो वोट बैंक रहा बीएसपी का, 8-8, 7-7 विधायक बीएसपी के आए उत्तराखंड में, क्या ये आम आदमी पार्टी की तरह ट्रांसफर करेंगे या आम आदमी पार्टी भी एक फैक्टर बन के उभरेगी? देखिए, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, जो उनका काम है, वो कम से कम उन सब चीजों से आगे है, बीएसपी से या सपा से बहुत आगे है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि यूकेडी हमारा क्षेत्र है, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, निश्चित तौर पर उस क्षेत्र